तो हाय रियन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री। एसी में आपका स्वागत है। सबसे पहले सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, क्योंकि काम चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था, अभी तक काम ही खत्म हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, और स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को, ठीक है। और बाल कटाने का भी टाइम ही मिल रहा है यार, आपके पीछे इतना काम चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ फिर मैं सेशन को लेकर के आपके साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज अपन क्या करने वाले, ध्यान से देखना, सबके सब देख करके एकदम हिल जाओगे। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल 16 के 16 चैप्टर्स के। है आप कहाँ से आगे? अच्छा, आप अपने चैनल पे करोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, जैसा मैं आपको केमिस्ट्री का करवाऊंगा वैसी डीजे यानी कि दुबे सर, दुबे जी यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स के लिए कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कल हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब फिजिक्स के लिए भी आप लोगों ने बोला तो फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो बनता है, ठीक है। और हिंदी का कल आपका होगा स्टार्ट क्लास, ठीक है। कल से हिंदी, कल सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे लोग हैं जो ये बटन दिख रहा है ना, ये बटन, ये वाला, ठीक है, ये बटन बंद करके जाने का, राइट, मतलब ये दबा के जाने का बच्चों, प्लीज, ठीक है। चलिए फिर इसको ऑल पे क्लिक कर देना, ऑलराइट। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो यार, ठीक है, शर्माना मत, ठीक है, ऑलराइट। चलिए ऑलराइट, ठीक है, चलो स्टार्ट करते, ठीक है, ऑलराइट स्टार्ट करते, ठीक है। नमस्कार बच्चों, नमस्कार लोके, सबके सब बढ़िया एकदम। अभी चलो तुमको एक चीज दिखाता हूँ, देख करके हिल जाओगे। पूछो क्या, पूछो क्या, दिखाऊं सबको, देखना है, यस सर नो, जल्दी जल्दी बताओ यार, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। चलो मैं आपको एक ऐसी चीज दे, मराठी मराठी कर रहे हो, मराठी भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो, इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, सब स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, ऑलराइट। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, CSIT सब कुछ कर लेंगे हम लोग। लो वॉइस, आप अपने फोन से वॉइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे प्लीज, ठीक है, क्योंकि मेरे तरफ से वॉइस एकदम क्लियर है, एकदम झमाझम तरीके से वॉइस आ रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। नमस्कार बच्चों, एकदम बढ़िया एकदम, कसा का है सगड़े मंडली, सगड़ा बरा है ना। चलो स्टार्ट करते फिर इस सेशन में। देखो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये नहीं अपना 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 ये वाला थंबनेल है, थंबनेल बनाने वाला भी दोनों का सेम बनाता है ना, दोनों का एक ही है इसके लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैं कराऊंगा 1 से 6 क्यों कराऊंगा, क्योंकि मेरे 6 चैप्टर है जिनके अंदर फॉर्मूलाज है, ठीक है। जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा अजय सर भी आपको कराने वाले, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से चौचक, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनना, फोकस करो, फोकस करो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या लाइक करके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया, चुन चुन के बनाया, जो फॉर्मूला अच्छे अच्छे थे जिनमें क्वेश्चन आता है वही रखा है, जो टाइम पास वाले फॉर्मूले जिसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता उनको हटा दिया, मतलब ऑलमोस्ट सभी रखा है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलो आपके लिए पहला सरप्राइज नंबर 1 ये रहा, 1 क्या है ये, दिस इज द फॉर्मूला लिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, वेरी गुड, दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस वन इज फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। सरप्राइज नंबर 3, 4 थर्मो, 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 6 केमिकल काइनेटिक्स। कैसा लगा फटाफट से बताना, कैसा लगा आपको, ठीक है। एक कह रहा आप स्मार्ट दिख रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार, बाल भी नहीं कटाया मैंने, पता है टाइम नहीं मिल पा रहा आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑलराइट। माइंड मैप आप करते रहिए जैसे जैसे आपको टाइम मिला। कैसा लगा, मैं आपके रिस्पॉन्स के लिए रुका हूँ, रिस्पॉन्स मेहनत किया है बेटा, आपके लिए मेहनत किया है, देखो मेहनत नहीं दिख रहा आपको, ये देखो, ये ठीक है, ये कितना फॉर्मूला है, खाली 6-6 फॉर्मूला है सब में, 6 से 7 फॉर्मूला है, आपसे याद नहीं होगा क्या, ठीक है। चलिए चलिए अभी अभी स्टार्ट हुआ है, डोंट वरी, आप में से कोई भी लेट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास ऑप्शन एक ये है, पूछो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं आपको खाली ये दिखा के और छोड़ दूं, समझ रहे हो, मतलब खाली हथियार दिखा दूं, चलाने का कैसा ये नहीं बताऊं, खाली छोड़ दूं। आप लोग चाहते हो क्या, आप लोग बताओ मेरे को फटाफट से, मेरे को लगता है आप में से बहुत से बच्चे यही चाहते हैं कि मैं खाली तुमको दिखा दूं इसको और छोड़ दूं, तो फटाफट से लाइक मारो अगर नहीं चाहते हो तो, ठीक है। 1000 लोग देख रहे, आधे लोगों ने लाइक किया, फटाफट से बताओ, थोड़ा प्यार बरसाओ यार, प्यार और डेडिकेशन दो ही चीज तो मांगा है तुम लोग से, हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना तुम लोग मेहनत करो, प्यार दो, पॉजिटिविटी फेंको हर जगह, नेगेटिव तो दुनिया फेंकने के लिए है ही, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से, एक कह रहा एकदम बवाल है, ठीक है, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या किया जाए इसका बताइए, आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, मैं एक पोल करा के देख लेता हूँ, पोल करवाना है, ठीक है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि खाली इतने पे छोड़ दूँ, ठीक है। स्टार्टअप पोल, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, 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 यस और नो में जवाब देना फटाफट से पोल में, यस और नो में, ठीक है, ऑलराइट। और सबका यस आना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, नो आएगा तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी पोल मैंने डाल के रखा है, फटाफट से मेरे को बताना यस और नो, क्या इसका एक्सप्लेनेशन दू, एक एक क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए दिखाऊं आपको कि किस तरीके से किस फॉर्मूले को किधर पे चिपकाने का, बताओ
ये आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ एक्सप्लेनेशन। 92% बच्चे लोग ने बोला यस, बाकी के 8% बच्चे लोग को क्या हो गया, आईपीएल आने में टाइम ही रहे दादा, ठीक है पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है चलो। 93% बच्चे बोल रहे हैं यस, तो हम लोग यस के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं, 1 से 1.5 घंटा बस, उसमें आपको मैं पूरा समझा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट चलो स्टार्ट करते फिर, ठीक है। रिस्टार्ट तरीके से, अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। अब मेरी ना एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगा, आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेंगे, क्या लेंगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने आता है ऐसे 2 बटन को खींच के लेना, नहीं तो ऐसे 3 उंगली फेर के लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना और हर एक ग्रुप में भेजना, अपने स्टेटस पे लगाना, हर जगह जगह पे बताना कि आज अपने को फॉर्मूला लिस्ट मिल गया है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, देखो अपने पास फॉर्मूला लिस्ट बहुत कम है, ठीक है, अपन ने जैसा निकाला, ठीक है। ऑलराइट चलो फटाफट से मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम रंगारंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं साइड हटता हूँ, सबके सब प्यार से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फोन को टेढ़ा करके स्क्रीनशॉट लेना, सीधे में मत लेना, टेढ़े में लेना, और अगर कोई मेहनती बच्चा है तो लिख के ले लेना भाई, 6 पेज है खाली, 10 मिनट जाएगा ज्यादा से ज्यादा लिखने में, 6 पेज देख करके, और उसको क्लिक करके अपने दीवार पे चिपका दे, हो जाएगा तेरा काम, ठीक है। चलो मैं साइड हो रहा हूँ, पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक सर केमिस्ट्री, उस पर भी मैं पोस्ट करूंगा इसको, यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे भी डालूंगा, ऐप के जितने बच्चों ने, जिन लोगों ने डाउनलोड करके रखा, वो लोग को पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। अब कुरियर नहीं कर सकता मैं, पहले ही बता रहा हूँ, बाकी सब तुम्हारे लिए कर दूंगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना, जैसे जैसे होते जाएगा लेना, 5, मैं तो नहीं आ रहा ना कैमरे में, 5, 4, लाइक मारो ना, सब्सक्राइब करो, चलो 5, 4, 3, 2, 1, सॉलिड स्टेट खत्म। देखो इधर लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट, इधर देख लेना नीचे, ठीक है। चलो इधर देखो ऊपर की तरफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। तीसरा लो आईने की क्लिप, हम 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। जो नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहे हो रे तुम लोग, जब तुम लोग को कोई हार्ट बीट का मैसेज भेजता है, आई लव यू लिख के भेजता है, तो फटक से स्क्रीनशॉट लेते हो, नहीं भेजा ना कोई, इसके लिए वैलेंटाइन डे के दिन भी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो आगे बढ़ोगे लाइफ में, मेरे को देख लो तुम्हारे साथ, तुम्हें शाम देखो तुम्हारे साथ मना रहा हूँ, सोचो डेडिकेशन देख रहे हो अपने सर का। चलो आओ आगे, चौथा, 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। खत्म मतलब स्क्रीनशॉट लेके हो गया, टाइम अप हो गया, 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। फटाक से ले लिया करो, लास्ट 5, 4, 3, 2, 1, खत्म। अभी फटाफट से हार्ट भेजो, हार्ट भेजो फटाफट से, इसका मत लो ठीक है, हार्ट भेजो फटाफट से चैट में, हार्ट भेजो, हार्ट भेजो चैट में। और एग्जाम के टाइम पे मैं नहीं करा पाऊंगा न्यूमेरिकल, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन का ही टाइम रहता है, ट्राई करूंगा अगर होगा तो, ठीक है। चलो चलो हार्ट भेजो, हार्ट भेजो फटाफट से, हार्ट सर माइंड मैप करवा दिया बेटा, अब्दुल राहिम खान माइंड मैप करवा दिया मैंने, कंप्लीट हो गया 16 का 16 चैप्टर। चलो हार्ट भेजो, अभी मेरा भी स्क्रीनशॉट लो, मेरा नहीं ले सकते अपने फोन में, मेरे को जगह नहीं दोगे, दिल में जगह मांगिए तुमसे। चलो मेरा भी फोटो लो, फोटो लो, हाँ रुको हंसने दो, देखो एक दिन लेके आया था, लाखों में बस के जा रहा हूँ, कौन बोलता है मेरे को हार्ट डे पे हार्ट नहीं मिला, चॉकलेट डे पे चॉकलेट नहीं मिला, सब कुछ मिला, टेडी डे पे टेडी भी मिला, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, मंडल आवारी एएससी के कट्टर समर्थों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है चलिए शुरुआत करते, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है चलिए स्टार्ट करते फिर। चलिए अब आ जाते हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते, जो बच्चे सोचेंगे मैं रिकॉर्ड भी देख लूंगा, भाई नहीं अभी देख करके खत्म कर दो। सबसे पहली बात, अब पढ़ना चालू करते हम लोग, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालना सबके सब टैग करके, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके बनाया है मैंने, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान दो सबके सब, अब फोकस करो, अब पढ़ाई करना, ठीक है, 5-10 मिनट अपन लोग ने मस्ती कर लिया, अभी पढ़ाई करते, ठीक है आ जाओ। यहां पर सबसे पहला डेंसिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, m इंटू n अपॉन a क्यूब इंटू n a, याद रखना। देखो इसमें क्या मिस्टेक करोगे ये बताता हूं, सबसे पहला यहां पर a कन्वर्ट नहीं करोगे आप लोग, ठीक है, a a क्या होता है एजलेन, इसका कन्वर्जन आप लोग यहां पर मिस्टेक कर दोगे, कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया कैसे करते कन्वर्जन, जैसे 238 पिकोमीटर है, ठीक है,
तो इसको सीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 पॉइंट मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाएंगे, 3 8 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर कर देंगे, पीएम को सीएम बना देंगे। अभिषेक सर नंबर वन टेक्निक, पहला कन्वर्जन यहां पर ध्यान देना। दूसरा ध्यान से सुनो, दूसरा जब आपको ये एन की वैल्यू बोलेगा, बोलेगा नहीं कभी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कभी बोलेगा नहीं ये एन की वैल्यू डाल और निकाल, बेटा आपको ये ऐसे बोलेगा कि एससीसी का स्ट्रक्चर है, बीसीसी का, एफसीसी का, तो समझ जाना 1 2 3 क्यों लिख दिया मैंने, ये गलत हो गया भाई, ये 4 आएगा इधर पे, ठीक है ये 4 आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, करेक्ट कर लेना, 1 2 का 4 सॉरी हाँ करेक्ट कर लेना, 1 2 का 4 एन इक्वल्स टू 4 ऑलराइट, ये पहली बात। तो यहां पर इसको रखने का और सॉल्व करने का, चलिए देखते हैं अपन देखते हैं कि कौन से साल में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। नहीं पहले एक काम करते हो, पूरा बता देता हूं फिर उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ऑलराइट। यहां देखो एससीसी में क्या होता है, A = 2R होता है, करेक्ट कर लेना बच्चों, करेक्ट करके स्क्रीनशॉट को रिप्लेस कर देना, ये लो रिप्लेस कर दो, 5 4 3 2 1 ठीक है वो करेक्ट कर देना, 1 2 का 4 लिखते लिखते हो जाता है कभी कभी, ठीक है ऑलराइट। ये देखो अब यहां पर देखो एससीसी के लिए A = क्या होता है 2R, बीसीसी के लिए क्या होता है 4R = √3 × A, एफसीसी में भी यही है, बस फर्क क्या है, फर्क एक चीज का सिर्फ और सिर्फ, यहां पर रूट थ्री है यहां पर 2 है। मैंने आपको बताया था बॉडी, बॉडी मतलब बड़ा होता है, फेस, फेस मतलब छोटा, ट्रिक बताया था बॉडी मतलब बड़ा राइट, उसके डिटेल में मैंने आपको बताया कैसे कैसे करते हैं, बस बॉडी मतलब बड़ा, बड़ा मतलब 3 नंबर बड़ा, और एफसीसी फेस छोटा होता है तो इधर 2 नंबर, बाकी 4R 4R ए ए इधर बरोबर है। इधर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है किधर, इधर बीसीसी में ए निकालो, जब ए निकालने बोलेगा तो रूट थ्री इधर क्या मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, फास्ट बता रहा हूँ, वीडियो को फास्ट करके मत देखो, स्लो में देखो ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम, इसके ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से, स्टार मार्क में मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पहला या तो दूसरा, इसके ऊपर इस पे मिलेगा तो डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, मुंह पे बता रहा हूँ मैं आपको, 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर, इस पे आएगा तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, तीसरे वाले फॉर्मुले पे नहीं आता ज्यादा क्वेश्चन जहां तक मेरे को पता है ठीक है ऑलराइट। फिर इसके ऊपर चौथे वाले पे भी आता है, चौथे वाले पे आपको क्या देगा 0.4 मोल दे देगा, बोलेगा एटम निकालो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालो, कैसे निकालोगे टोटल वॉइड्स कैसे निकालोगे, 0.4 मोल दिया हुआ है, अगर मोल से एटम निकालना है कैसे निकालोगे जल्दी ले बताओ, मोल से अगर आपको एटम निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, मोल से अगर आपको एटम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एनए से मल्टीप्लाई करके, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से क्या करके मल्टीप्लाई करके, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, ये आपको समझ में आ गया रहेगा ठीक है ऑलराइट। ये इतना हो गया अपना, अब देखो यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ बाय पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम, एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे 100 में से माइनस करके, ये 3 फॉर्मूले 1 2 3, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत रेयर चांसेस है, एम्प्टी स्पेस आपको पता है माइनस करके जस्ट निकालना है, दैट्स इट, खत्म हो गया, बस 6 ही फॉर्मूला था ठीक है, मेरे काम का 1 2 3 3 फॉर्मूला मेरे को ज्यादा दिख रहा है ठीक है ऑलराइट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ना एक पेपर को देखेंगे और उस पेपर में से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है और क्या लिखने पे कितना मार्क्स मिल रहा है, टेक्निक से मैं आपको कराता हूँ, देखेंगे ध्यान से देखना, अभी पेपर निकालते हैं अपन ठीक है ऑलराइट। सारे ईयर्स के पहले पेपर निकाल लिए प्रीवियस ईयर ठीक है ऑलराइट, यहाँ देखना एक बार ठीक है ऑलराइट। चलो कहाँ से देखते हैं अपन, 22 से स्टार्ट करते हैं ठीक है, 22 है ना, हाँ ये 22 है ठीक है। चलो अभी ढूंढो फटाफट से, अभी क्वेश्चन पेपर में ना सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आप ढूंढोगे ठीक है, देखते हैं अपन फटाफट से ढूंढेंगे, क्या ज्यादा टाइम नहीं अपने पास ठीक है ऑलराइट। देखो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन ढूंढो, इधर से ढूंढते, देखो इधर दिया है क्या बताओ मेरे को फटाफट से, किधर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ, देखो सेक्शन डी में किधर क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, फटाफट से ढूंढ के बता दो, किधर दिख रहा है आपको, आंखें फटाफट से फेराओ इसके ऊपर, पानी पीऊं तब तक मैं ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, देखो आया है क्या इसके ऊपर क्वेश्चन 22 में, देखो ठीक है जल्दी जल्दी बताना आया है क्या, इधर है, किधर है ध्यान से देखो, इधर है, ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 दिखा सबको, क्वेश्चन नंबर 27 दिखा सबको, अरे हाँ या ना दिख रहा है क्या ठीक है। एज लेंथ का डेरिवेशन आ सकता है क्या, डेरिवेशन वेरिएशन नहीं, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की, डेरिवेशन की वीडियो में ऑलरेडी ले चुका बेटा ठीक है ऑलराइट, ध्यान से सुनना ठीक है। 27 देखो, गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी, एफसीसी के अंदर क्रिस्टलाइज कर रहा है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, पटक से बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3 लिखोगे कि 4 लिखोगे, देखो क्या आएगी एफसीसी के लिए क्या आती है एन की वैल्यू 4, 1 2 का 4, देखो पहला डेटा यहां से निकल गया, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इतना, अच्छा ये सेंटीमीटर में देके रखा है, इसको कन्वर्ट करूं क्या, बोलना पिंटिया इसको कन्वर्ट करूं क्या, नहीं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पहले से सेंटीमीटर में बेटा राइट। अच्छा कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है ये, बराबर एज लेंथ क्या होता है ए, तो मेरे को ए दे दिया, याद रखना मेरे को ए दिया है, मेरे को ए का क्यूब नहीं दिया है, इधर सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एज लेंथ दिया है, एज लेंथ का क्यूब मेरे को निकालना है, क्यूब मेरे को निकालना है, इस बात को दिमाग में बैठाओ,
ठीक है, मोलर मास यानी कि कैपिटल एम दिया हुआ है। फॉर्मूला देखो पहले, अभी देखो इसमें, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ खतरनाक तरीके से, आपको ये समझ में आ गया एकदम चौचक तरीके से कि किस तरीके से डेटा दिया है। राइट, डेटा आपने निकाल लिया ना, एफसीसी बोल के प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसे ही कराऊंगा आपको, अभी चारों पेपर के दिखाऊंगा आपको, बहुत मजा आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका न्यूमेरिकल का डर भाग जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखना अभी। ठीक है, अब देखो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से आएगा, इतना याद रखना। और फॉर्मूला कितना है, छह, उसमें से भी करना कितना है, तीन। अरे दगड़िया, तीन फॉर्मूला तुला पाठ नाही येते का, एवढा मोठा झाला तू, असं नको करू, कळला ना। चल आता पुढे बघू, देख अभी देख सेक्शन डी किधर है, सेक्शन डी इधर देखते हम लोग। ठीक है, आ जाओ सेक्शन डी किधर गया, इधर है। ठीक है, किधर गया, एक मिनट रुको मेरे को देखने दो आराम से। 27 ना, 27 इधर है, ये देख, गेरा, ये देख, ये देख, यहां पर देख। सबसे पहले देख फॉर्मेट देख, कैसे सॉल्व करने का, ध्यान से देखा क्या बेटा, बेटा डरने का नहीं। ठीक है, अभिषेक सर है ना इधर पे, डरने का नहीं। ठीक है, ये देख अभी देख फॉर्मूला देख ले फटाफट से। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देख ध्यान से देख, खाली फॉर्मूला देख, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहले फॉर्मूला देख। ठीक है, देख देख गिवन अपन ने लिख लिया, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन से। गिवन में देख एन इक्वल टू फोर मैंने तेरे को दिखाया एफसीसी के लिए, देख ऐसे लिख क्या देखा एकदम मस्त तरीके से। देख इसने कैसे लिखा, वैसे देख ए इक्वल टू सेंटीमीटर में दिया तो इसने ऐसे लिख दिया। देख इसने क्या लिखा, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया तो इसने लिख दिया, ये लिख दिया, मोलर मास भी इसने लिख दिया, क्या निकाला था डी। ठीक है, तो देख यहाँ पर इसके जैसा चिंदीगिरी नहीं करने का, अच्छे से लिखने का। क्या लिखोगे, टू फाइंड, क्या लिखोगे, टू फाइंड, अपने को पेपर भरने का, कल ही के वीडियो में बताया था राइट, टू फाइंड क्या लिखोगे, डेंसिटी, डेंसिटी डी लिखोगे क्या, बताओ इसके ऐसा डी लिखोगे कि क्या लिखोगे, बताओ डेंसिटी डी लिखोगे। हाँ कुछ भी करते हैं लोग भी, कैसे करोगे आप डेंसिटी के, क्या लिखोगे, पी ऐसे करके, रो बोलते हैं इसको, रो राइट, रो पे फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क मारोगे राइट। फिर यहाँ पर इसने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, हाँ क्या लिखोगे, इधर लिखोगे फॉर्मूला, क्या लिखोगे फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बाय हार्ट कराया राइट, यही है ना, कितना मार्क्स मिल रहा है इस पे, हाफ मार्क्स मिल रहा है, तो लिख के नहीं आओगे क्या, नाम खराब करोगे मेरा, अपने माँ बाप का नाम खराब करोगे, एससी का नाम खराब करोगे, नहीं ना, तो इतना याद कर लो। अभी इसको कैसे याद करना है वो भी सिखाता हूं, देखो एम एन ओ पी राइट, जेवलीस का ना, ना मंजे का असा ना राइट, एन ए याद करके जाओ, खाली फॉर्मूला याद करने से मतलब है, यहाँ पर क्यूब लगाना नहीं भूलने का, तीन, समझा। देख एम एन ओ कितना, कितने कितना लिखा अल्फाबेट, तीन ना, तो यहाँ पे तीन, पी मेरे को ओ ए के जैसा दिखता है, ठीक है, इंटू एन ए, खत्म राइट। अब क्या करने का, खाली वैल्यूज को पुट करने का, वैल्यूज को पुट कर फटाफट से, जल्दी जल्दी वैल्यूज को पुट कर, वैल्यूज को पुट कर। देख एन की जगह पे तू क्या रखेगा, जल्दी बता, एन की जगह पे फोर रख देगा, मोलर मास 197 रख दिया, ए का क्यूब एजेंट का इधर रख करके, इधर जिसने क्यूब नहीं निकाला तो उसका रॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, मंथन ध्यान से देख, यहाँ पर बेटा क्यूब लगाने का ही है अपने को, ठीक है, इंटू एन ए, एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ये याद नहीं होगा आपको, अब ये मत बोलना सर फॉर्मूले में देगा क्या, नहीं ये याद करने का, 6.022×10^23 बचपन से देखते आ रहे अपन इसको, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है ये, ठीक है, चले लास्ट का टॉपिक है ये, ठीक है, लॉस के अंदर। ठीक है, अब देख इसको 4 इंटू ये कर लिया, 788 आ गया, अब ये माइनस 8 का क्यूब कैसे होता है, 8 3 = 24 बराबर, 24, और इसको देखो ध्यान से, 408 का क्यूब, क्यूब लेने का, हाँ क्या वहां पर लॉग बुक में देख लेने का, क्यूब वाला रहता है सिस्टम, तो क्यूब ले लेने का, या तो फिर हम लोग इसके अंदर लॉग भी लगा सकते हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करने सिखाया, कैसे करते हैं अपन लोग, 3 log of 4.08, ये सिखाया कि नहीं सिखाया, जल्दी जल्दी बताओ, सिखाया कि नहीं सिखाया, 40 का 8 में देखने का, सिखाया ना आपको मैंने, हाया ना तो बोलो, बोलो यार। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देने का राइट, फिर नीचे का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला 60 का, इसका तो आपको याद ही है, मैंने आपको बोला इसका लॉग याद करके जाओ बराबर, रिकॉर्डेड वालों इसका लॉग क्या होता है लिख देना कमेंट में। फिर ऊपर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वो कर लोगे ना, फिर लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग निकाल करके फाइनल आंसर निकाल लेना इस तरीके से। ये अरे ये तो पहला ही क्वेश्चन है अपने बुक का, एग्जाम्पल्स का, सॉल्व का, वो यही है राइट। ठीक है, क्लियर हो गया, डन है, डन है, डन है, पहला क्लियर हो गया अपने को, पहला समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पहले पहले देखो अभी इसके अंदर ये कितने मार्क का पूछा है, देख लो ध्यान से देख लो, हाँ क्या देखो, आधा आधा इधर, एक नंबर इधर, मतलब 2 मार्क का ये न्यूमेरिकल आएगा, आएगा तो, अगर कुछ भी नहीं आएगा तो कम से कम ये लिख के, इधर देखो, इधर देखो, ये लिखने का आधा नंबर मिलेगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, आधा आधा कितना हो गया, एक, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचा तो भी तू इतना एक ले लेना, एक नंबर ले लेना, सॉल्व नहीं हो पाया तो भी इतना तो करके आना। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर हो गया, डन। कोमल कह रही है मुझे मॉडरेटर बना दो, ठीक है, चलो नेक्स्ट, 1 करोड़ लगता है उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आ जाओ नीचे आ जाते अपन, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ, ये कौन सा पेपर उठाया मैंने, कौन सा उठाया मैंने, 20 का उठाया क्या ये, हाँ ये 20 का उठा लिया मैंने। ठीक है, और नहीं, सितंबर 21 का है ये,
सितंबर 21 का पेपर है। चलो अभी इसमें ढूंढते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। चलो ढूंढो फटाफट से, ढूंढो, सब में मिलेगा एक एक क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, जरूर मिलेगा, बस तुमको ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। तुम भी ढूंढो मेरे साथ, ठीक है। ढूंढो 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 ढूंढो, देखो कहाँ पर है। रेड कॉन्स्टेंट, मोनोबेसिक एसिड, नाई, ठीक है, कलरलेस, मोनोएसिडिक, नाई, ठीक है, ढूंढो 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 ढूंढो। ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी ढूंढो। नहीं, मिल गया, किधर मिला, किधर मिला, इधर मिला, ये देख, ये देख, देख ध्यान से देख, देख मिला ना, कौन से सेक्शन में मिला, सेक्शन सी में मिला, मैं बोला ना मिलेगा, अब मेरे को क्या इतना थोड़ी ना याद है कौन से सेक्शन में किधर किधर डाल के रखा है, इतना सारा पेपर है, ठीक है। सेक्शन सी में मिला, देख, सेक्शन सी में मिला, देख 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 ध्यान से देख, इधर मिला, देख 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 देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, तीन क्वेश्चन पूछा, देख, दिखा क्वेश्चन में 24 दिखा, क्या दिखा सबको, मिल गया ना, राइट। कैसे देखो, यहाँ पर देखो, कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द, अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टेट्रॉइड, एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, दो नंबर का क्वेश्चन, टोटल वॉइड फॉर्म्ड इन 0.4 मोल ऑफ इट, 0.4 मोल में कितना बनता है, उस पर आपको पूछा है, राइट। अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, राइट। अच्छा 0.4 मोल से कैसे निकालते हैं एटम, जल्दी बताओ, ये सॉल्ड एग्जांपल में से ही आएगा, अनसॉल्ड में से नहीं आता न्यूमेरिकल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो पहला क्वेश्चन था, ये आठवां क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, 0.4 मोल है, 0.4 मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को एटम निकल के आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, अभी अभी मैंने बताया था, जल्दी जल्दी बोलो आंसर, ठीक है, ऑलराइट, जल्दी जल्दी बोलो, शुभम फटाफट से आंसर दो, जल्दी जल्दी बोलो, ऑफिशियल गेमर, ठीक है, यूनिट के लिए कुछ आइडिया दे दो, यूनिट का कुछ नहीं हो, लिखते रहने का अपन, सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ कैसे, जल्दी प्रणय आंसर करो बेटा, चलो जल्दी जल्दी बताओ, सर पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आंसर करो फटाफट से, चलो, ठीक है। ए सी सर, काइनेटिक से थ्योरी आता है क्या, आता है ना, डेरिवेशन आता है उससे एकदम दबा करके, ठीक है। चलो 6.022×10^23, वेरी गुड, बहुत सही, एवोगैड्रो नंबर Na, अच्छा वो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटम्स निकल के आ जाएगा, अच्छा जितना एटम होता है उतना ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, अच्छा टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालोगे, 2 × ये कर दोगे, इस वैल्यू को जो इधर आएगी ना उसको यहाँ पर रख करके मल्टीप्लाई कर देना, टेट्राहेड्रल वॉइड निकल जाएगा। अच्छा टोटल वॉइड कैसे निकालोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, खत्म, लास्ट वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं कि अपने को क्या क्या लिखने पे क्या क्या मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलो ऑलराइट, 24 क्वेश्चन नंबर फटाफट से देखेंगे, ठीक है, मैं आपको एकदम तगड़ा वाला कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत काम की चीज है ये, बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल से डरो मत, एक न्यूमेरिकल हम में सब में से आएगा, 3 नंबर 2 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा, सब चैप्टर में से आएगा, ऐसा एक चैप्टर नहीं है जिसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और न्यूमेरिकल एकदम हार्ड नहीं रहता, ईजी रहता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तुमको नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, उतना तो करके जाओ, थोड़ा तो करके जाओ, थोड़ा तो करो, नहीं करोगे बताओ यार, ऐसे कैसे चलेगा, ये देखो इस पर देखो मार्क्स ही मार्क्स, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, देखना ध्यान से, ओ भाई साहब इधर देखो फटाफट से, चलो ये देखो, ये देखो ये रहा सोल्यूशन, ठीक है, लैग हो रहा है, कैसे लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चलो इधर आ जाओ फटाफट से, देखो यहाँ पर देखना फटाफट से, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल में निकालने बोला था, देखो एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए कैपिटल लिखने का, हाँ क्या देखो 6.022×10^23, राइट, जीरो भी लगा सकते हो, नहीं लगा, ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा तुमको, नहीं आएगा, 4×4, 4×2 = 8, उस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, इस पे आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, यही क्या अपना नंबर ऑफ एटम्स है, राइट। तो उतना ही देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स से इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, ये फॉर्मूला लिखने पे कितना मार्क्स मिला, आधा नंबर मिला, तो ये लिखने का फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि सर मेरे को डायरेक्ट आता था मैं डायरेक्ट रख के डायरेक्ट निकाली, ऐसा बेटा मार्क्स नहीं मिलेगा फिर, समझे कि नहीं समझे, वो डायरेक्ट आपके कुछ मार्क्स भी बाहर निकाल देंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा, देखो इसी चीज को यहाँ पर उठा के रख दिया, अब वापस से फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 × नंबर ऑफ एटम्स, इस पे आधा नंबर मिलेगा, बराबर। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स यानी कि ये जो वैल्यू थी उसको इधर पे रख के 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, देखो खाली मल्टीप्लाई करने का है, अब मल्टीप्लाई भी करने नहीं आएगा क्या, छोटा डिजिट का नंबर है, इस पे भी आधा नंबर हो गया अपना, बराबर।
अब देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाइडर वर्ड्स प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इस पे आधा देने का था ना, अरे नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी नहीं भी देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इनको पता ना इधर इन लोगों ने आधा आधा बांट दिया है, तो इधर पे कैसे बांटेंगे, ठीक है, इधर पे आधा मिलेगा एक्चुअली मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और फिर उसके बाद तो फिर 3.5 हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर ये मल्टीप्लाई करके आधा नंबर इधर पे, मतलब दोनों को ऐड करके, सॉरी दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके आंसर इधर निकाल लिया। 20 बार 23 एडिशन के अंदर कॉमन आता है, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। चलो क्लियर है, एक बार जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, क्लियर है क्या? थम्स अप दिखाओ। और रिकॉर्डेड वालों प्लीज इसको लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अभी देखने में अच्छा लग रहा रहेगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा बताने का वे ही ऐसा है कि आपको अच्छा लग रहेगा, बट आपको अपना हाथ चलाना है, ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके नंबर पक्के, और मैंने आपको क्या बताया, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी बता रहा हूँ, और किस तरीके से लिखना है वो भी बता रहा हूँ। अब इससे ज्यादा बोलोगे कि सर पेपर भी लिख के दे दो, तो वो नहीं हो पाएगा बेटा, सॉरी, ठीक है। चलो बता दो फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। चलो ऑलराइट, और 200 लोग कहाँ तुम लोग भागने चले जाते हो रे, कभी भाग के आते हो फिर कहीं जाते हो, फिर कहीं जाते हो फिर आते हो, शांति से बैठ करके एक जगह पे पेशेंस, वीडियो पे क्लिक किया तो पेशेंस के साथ देखो, ठीक है, अपने मन चंचल मन को इधर उधर भगाओ मत, ठीक है, शांति से देखो क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऐसा तुमको लगता है मैं बाद में देख लूंगा, फिर बाद में तुम लोग कभी देख ही नहीं पाते हो, टाइम ही नहीं आता तुम्हारा बाद में, ठीक है। चलो अब मैं तुमको एक और पेपर दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला पेपर दिखा रहा हूँ मैं तुमको, जुलाई वाला, ठीक है, रिपीटर वाला, ऑलराइट, अच्छे से देख लो। अब रिपीटर वाले में कहाँ से क्वेश्चन आए ये भी देखो, ठीक है, हर एक चैप्टर में से आएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ऑलराइट। हाँ आ गया, चलो आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो, ये रहा मेरे को, मैंने देख लिया क्वेश्चन, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला है, ये जो मैंने आपको बोला ना कम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसमें से देखो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से वाले में से देख लो, ध्यान से पढ़ो, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, सुनो, एटम कैलकुलेट करने बोला, यूनिट सेल मतलब एटम और यूनिट सेल किसके अंदर, 5.0 ग्राम ऑफ नियोबियम इफ इट फॉर्म्स बॉडी सेंटर, मतलब एन की वैल्यू 2 है, द डेंसिटी ऑफ द नियोबियम, डेंसिटी मतलब रो, रो की वैल्यू दी हुई है, एंड एजलेन, एजलेन मतलब ए की वैल्यू दी है, बताओ कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। चलो इंग्लिश, इंग्लिश एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ लोगे हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, इंग्लिश तो लास्ट में ही पढ़ना है आपको, ठीक है, ऑलराइट। लैंग्वेजेस इसके लिए हम लोग कल से स्टार्ट करा रहे हैं हिंदी का, फिर परसों से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश का, और फिर नर्सों से स्टार्ट हो जाएगा मराठी का, मतलब एक ऐसे से करके हम लोग स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करें, फिर हम लोग स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करना है सबको समझ में आ रहा है, मेरे को फटाफट से बताना, जल्दी जल्दी बताना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला किधर गया, किधर गया फॉर्मूला, ये वाला तीसरा वाला फॉर्मूला लग रहा है, सब लोग देख रहे हो, तीसरा वाला फॉर्मूला लग रहा है, तीसरा वाला देखो, जब नंबर ऑफ एटम्स बोले और नंबर ऑफ यूनिट सेल बोले तो समझ जाना तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ओमकार पाटिल बोल रहा है सर कुछ नहीं हुआ पढ़ के, बेटा जो अभी पढ़ा रहा हूँ उस पर तो ध्यान दे दे, अभी जो ध्यान दे देगा ना, कम से कम देख हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर 3 नंबर का, तो 6 चैप्टर है तेरे, 12 नंबर पक्के इस वीडियो से, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। डेंसिटी वाले में मत घुसो, डेंसिटी वाले में क्यों नहीं घुस रहे हम लोग, बताओ उसमें क्यों नहीं गया मैं, क्योंकि मोलार मास नहीं मिला मेरे को, समझ रहे हैं मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ, मेरे को मोलार मास बोला क्या इधर पे, इधर पे कहीं क्वेश्चन में बच्चों मोलार मास मुझे कहा है क्या, आप लोग मुझे बताइए पहले कि यहाँ पर कहीं मोलार मास दिख रहा है क्या अपने को, नहीं ना, तो मोलार मास में नहीं जाएंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पूछ रहा क्या है, ये भी तो पूछो, डिमांड क्या है वो तो देखो, उस हिसाब से सप्लाई करो ना, एटम और यूनिट बोला है, तो एटम और यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा बताओ, एक्स इंटू एन रो ए क्यूब, राइट, और एक में एन हटा दो, राइट, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है, और मेरे को लग रहा है तुम लोग के सिलेबस, तुम लोग के बैच में यही क्वेश्चन आएगा, मेरे को पता नहीं, अंदर से ना अंदर से सब फील आ रहा है कि तुम्हारे में यही आएगा, ठीक है, ऑलराइट। इधर देखो नंबर ऑफ एटम्स, देखो ये हो गया फॉर्मूला, लिख लिया आधा मार्क ले लिया, बोलो ले लिया सर, बोलो ले लिया, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद इसको जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स वही फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ आधा ये लोग आधा कर देते हैं, अपन एन को अगर नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, ऑलराइट। इधर दो दो बार फॉर्मूला लिख करके सॉल्व कर ले रहा है, ठीक है, ये लोग एक अलग मेथड से कर रहे हैं, ये लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो उसका, राइट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 लिया था ना, इसको 2 को हटा दो, इसको 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 इसका क्यूब लो, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, यही आएगा, करके देख लेना, राइट, समझ में आया कि नहीं आया, समझा, ठीक है। देखो अभी डीए यूट्यूब आया पूछ रहा सर फॉर्मूला लिस्ट कहाँ है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि बच्चे स्टार्टिंग से देखते ही नहीं, परेशान वही बच्चा है जो कभी कुछ पढ़ता नहीं है, मैं आज तक आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चा कौन सा परेशान रहता है ना, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और वही बच्चा है जो पढ़ता नहीं है,
अभी ये बीच में आया है और अभी मेरे को आते ही पूछ रहा है कि फॉर्मूला लिस्ट किधर है सर। समझ रहा है, टाइटल देख करके आया कि फॉर्मूला लिस्ट किधर मिल रही है, किधर है, डायरेक्ट वो दिखाओ। परेशान वही रहता है जो कुछ करता नहीं है, जो कुछ करता है ना वो कभी परेशान नहीं रहता। और क्या करना रहता है, मेहनत, स्टार्टिंग से बैठा रहता तो समझता, राइट? समझा कि नहीं समझा? तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी भगवान की मर्जी, ठीक है, जो समझ में आए समझो। ठीक है चलो, ये एक पेपर देख लेते, लास्ट दो पेपर और देखेंगे फटाफट से, चलो फिर सॉलिड स्टेट खत्म। ठीक है चलो भाई, फटाफट से मेरे साथ ढूंढो। ढूंढो कितना बड़ा पेपर है, मिल गया वापस है। कौन सा पेपर है, सेम पेपर रिपीट कर दिया क्या मैंने? हाँ सेम पेपर रिपीट कर दिया, रुको दो दो बार खोल दिया मैंने इसको लगता है। हाँ रुको दो दो बार खोल दिया। इसमें देखो 23 में ढूंढो, चलो देखो 23 में पहला ही क्वेश्चन दिख गया है, देखो ये देखो, जल्दी जल्दी देखो बच्चों, जल्दी जल्दी देखो बच्चों, देखो पहला ही मिल गया, देखो रिलेशनशिप। और ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, सिंगल लोग को कैसे आ सकता है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं सिखा दूंगा। देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस स्फीयर ऑफ एक्सीडेंस ऑफ द बॉडी सेंटर, बीसीसी बोला है, बीसीसी का रिलेशनशिप बता दो ए के साथ क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, बीसीसी का बता दो क्या होता है। अभी भी मैंने आपको सिखाया था, फोर आर इक्वल टू बीसीसी, बॉडी मंजे मोटी, फेस मंजे छोटा, फेस क्या। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या है, इधर क्या लिखूं। हेलो मैडम, ओ अंकल जी, फटाफट से आंसर करिए, क्या आएगा बताइए क्या आएगा। क्या बताऊं यार, जल्दी जल्दी बोलो यार बच्चों, बोलो 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 बोलो, क्या लिखूंगा, √3, राइट? अच्छा तो ये तो कोई दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब सर ने गलत पढ़ा दिया लगता है, गलत पढ़ा दिया लगता है, क्या करेंगे बताओ, तुम ही बताओ, मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम ही बताओ कौन सा बैच करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो भाई। तुम लोग सी 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 बोले जा रहे हो, सी 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 बोले जा रहे हो कैसे, यहाँ पर आर के साथ, देखो जिस बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा तो उसको बता देता हूँ, देखो क्या होता है, यहाँ पर ना इक्वल टू होता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के ये साइड में जो मल्टीप्लाई रहता है उधर डिवाइड जाता है, ठीक है, तो मैच करना है। देखो डायरेक्ट लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन नहीं है, अब तुम बोलोगे अरे सर ने पढ़ा था भाई, ये मार देता राइट, तो देखो इसने देखो कैसे घुमाया, देखो देखो ऑप्शन बनाता कैसे, देखो एकदम पेपर देखो कैसे सेट करते हैं लोग, √3 4 है ना, इसको ऐसे करके देखो इधर मार दिया इसने, फिर तेरे को याद आएगा अरे हाँ 4 और √3 कहीं तो पढ़ा था, ये मार देता हूँ, खत्म, काट लेगा तेरा नंबर बेटा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख 4 मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दे, डिवाइड हो जाएगा तो राइट, तो ये आंसर आ जाएगा तेरा, देख ये समझा, थोड़ा आंखों से देखा कर, आंसर सामने ही है, एमसीक्यू की खासियत क्या है, आंसर सामने ही है तो सामने ही देखने का है, अगर नहीं दिखता है तो आजू बाजू देखने का है, कहीं से तो लिखने का, पर समझा ना, ठीक है चलो मजाक कर रहा हूँ क्या, ट्राई कर लेना हो जाएगा, ठीक है चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो लेट्स गो टू द सेकेंड चैप्टर, हाइप बनाओ फटाफट से, बताओ सेकेंड चैप्टर पे मैं क्या आपको लेके चलूँ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है फॉर्मूला में करेक्शन है, यूनिवर्सल वाले में क्या करेक्शन है बेटा, मैं भी देख लूँ एक बार यार, ठीक है कुछ गलत ना हो जाए यार बच्चों, ठीक है फ्यूचर का सवाल है, रुको क्लियर है, नहीं बराबर है ना, बराबर है यूनिट सेल वाले में, यूनिट सेल वाले में बराबर है, P³ × NA, ρ³ × NA, ठीक है टेक्स्ट बुक देखते हैं हम लोग, ठीक है किधर गया टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक कहाँ गया, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, ठीक है रुको देख लेता हूँ मैं अभी, ठीक है जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है 1 सेकेंड रुक जाओ। और सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है ना, सर दर्द करता होगा राइट, टेंशन ना लो, कह रहे दगड़े आ बरोबर है ना, कसला सब चुकी सा बोलते हुए, यूनिट सेल वक ना XAP³, इतने वक ना का एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम XNPA³, ठीक है ऑलराइट, मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, अच्छा XPA³ NaNA लिख दिया क्या, अरे हाँ, अरे हाँ गलत गलत कर दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, पता नहीं क्यों गलतियाँ हो रही है, गलतियाँ पता है क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर समय ना मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, रेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए गलतियाँ हो जा रही है, गलतियाँ समझ रहे हो क्यों हो रही है, क्योंकि रेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, खाली काम 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 काम, इसके पहले अभी बैच में लेक्चर लिया, अभी यूट्यूब पे ले रहा हूँ, ठीक है फिर सुबह एक और, इसके लिए ना गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, रुको थैंक यू सो मच फॉर योर करेक्शन बेटा, सबके सब करेक्ट कर लेना, ठीक है करेक्ट कर लेना, क्या लिखना है अपने को, पी
रोए क्यूब, मैंने बोलते समय बोला बरोबर, लिखते समय गलत लिख दिया, रोए क्यूब, ठीक है यहां पर भी आ जाएगा रोए क्यूब, बहुत सही, लेजेंड है तू तो बेटा, ठीक है चलो ऑलराइट आगे चलते, ठीक है यस आर्या वेरी गुड, ठीक है ऑलराइट आगे चले, आज के लिए मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है पर सर है, और रे 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 रे, गर्लफ्रेंड को टेडी देगा, चॉकलेट देगा, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, एससी को देगा बहुत कुछ मिलेगा, समझा, चलो आ जाओ, ठीक है ऑलराइट चले आगे चले, ऑलराइट आगे चले, राइट आगे चलते, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ क्या बच्चों, थैंक यू सो मच, ठीक है सॉल्यूशंस पे आते हैं अभी, चलो सॉल्यूशंस में सब प्रॉपर है, टेंशन मत लो, ठीक है सॉल्यूशंस में प्रॉपर है, ठीक है यहाँ देखो फटाफट से, देखो सबसे पहला हेनरीज लॉ वाला, एस इक्वल टू के एच इंटू पी, ठीक है ये सबको पता, राइट सॉल्युबिलिटी का दूसरा नाम है मोलारिटी, ये भी देख लो, देखो मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम मोमेंट में मैं ये आपको नहीं करा पाऊंगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को अच्छे सेव करके रखो, क्योंकि एग्जाम में आपको यही देखना है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बहुत फास्ट में बताने वाला हूँ एग्जाम में, ठीक है इसके लिए मैं डेरिवेशन इनऑर्गेनिक सब पहले से ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम में कम टाइम रहेगा, मेरे को फास्ट कराना है, ठीक है इसके लिए बता रहा हूँ, अभी माहौल इंजॉय कर लो, ठीक है ऑलराइट देखो ये रॉबर्ट्स लॉ वाला, राइट रॉबर्ट्स लॉ वाला फॉर्मूला सबको पता है डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है और ये आरएलवीपी वाला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, पहला ये फिर दूसरा ये, ठीक है फिर उसके बाद ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का, देखो ये पहले निकालेंगे, देखो ये कभी कभी इस पे भी आता है, कभी कभी इस पे भी आता है, कभी कभी तीनों पे आता है, ठीक है फिर उसके बाद फ्रीजिंग वाला सेम है, खाली बी की जगह पे एफ करना है, ठीक है फिर पाई इक्वल्स टू आई एम आर पी वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर का, राइट फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में इधर से ऐसे, ये सॉरी इसका बॉइलिंग पॉइंट का इधर, ठीक है इधर पे बी की जगह पे एफ कर दोगे तो बन जाएगा फ्रीजिंग का, ठीक है और ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इधर तक भी जाता है, ठीक है चलो एक बार देख लो इसको फटाफट से, ठीक है चलो क्लियर है, देख लिया, ठीक है चले आगे चले, आगे चले फटाफट से, चले आगे चले, चलो अब न्यूमेरिकल देखते फटाफट से, ठीक है ऑलराइट अब इसमें इसमें ना कुछ भी आ सकता है, ठीक है आपको ये समझ लो, ठीक है क्योंकि फॉर्मूला के उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें तो दो ही तीन थे, पर इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है चलिए देखते एक एक करके, ठीक है ऑलराइट चलिए स्टार्ट करते, फिर देखना चालू करते, ठीक है चलिए देखेंगे आप लोग मेरे साथ देखेंगे, ठीक है और देखो न्यूमेरिकल्स भर भर के मिल रहा है, देखो इधर देखो एग्जाम में, देखो न्यूमेरिकल भर भर के आ रहा है, एक दो ये देखो न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, राइट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ऑलराइट देखो तीन तो इधर ही मिल जाएगा आपको, ऑलराइट चलिए अभी देखिएगा फटाफट से, ठीक है ढूंढिएगा फटाफट से आप मेरे साथ सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल, हम लोग ढूंढ रहे हैं मेरे साथ, आप ढूंढिएगा, ठीक है आप लोग ढूंढोगे मेरे साथ तो मेरे को अच्छा लगेगा, ये देखो ये रहा, ये रहा देखो ये रहा, दिखा सबको चैप्टर नंबर टू, दिखा ना सेक्शन बी का, देखो सेक्शन बी का इधर आ गया 23 के क्वेश्चन में, कैसा आया देखो क्वेश्चन क्या है, देखो आप मेरे को बताना कौन सा चैप्टर का है ये, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है इफ पेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतना एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन बेंजीन इज इतना, बताओ कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर हम लोग लगाएंगे, कम ऑन आंसर करो, मेरा वॉल्यूम बरोबर है, तुम लोग कैसा लो वॉल्यूम क्यों लग रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, लो वॉल्यूम है क्या, तुम लोग अपने फोन फोन का स्पीकर थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है मेरा वॉल्यूम बरोबर है, अभी तुम लोग मेरे से वॉल्यूम का अगर मैं सिस्टम चेंज करने जाऊंगा ना झमाझम हो जाएगा, ठीक है चलो बताओ फटाफट से, हेलो हेलो हेलो, सोल्यूशन चैप्टर का तो है बट कौन सा लगेगा फॉर्मूला ये बताओ, मैंने आपको ये पूछा कि इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फटाफट से आंसर करो, ठीक है सीरियस पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, एक कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, सच्ची क्या बात कर रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ आपको पाई दिख रहा है, आप मेरे को बताओ कहाँ आपको पाई दिख रहा है, पाई दिख रहा है आपको कहीं, सही ना, फिर जल्दी जल्दी आंसर करना, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो, मेरे को आंसर आना चाहिए तुम्हारी तरफ से, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, ठीक है इधर उधर की चीज़ें नहीं, एक कह रहा रॉबर्ट्स लॉ, अच्छा हेनरीज लॉ नहीं बोल रहे हो कोई, एक कह रहा आरएलवीपी, आरएलवीपी वाला ज़्यादा मांगे, आर एल बी पी वाला ज़्यादा मांगे, पक्का लॉक करे, फिर लॉक करे, देख लो क्या क्या बोला है, देख लो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इफ पेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर, प्योर बेंजीन मतलब आपको नॉट दे रहा है, एंड पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको पी ए नॉट दे रहा है एक का और आपको पी ए दे रहा है, राइट मोल फ्रैक्शन आपको एक का निकालने बोल रहा है और बेंजीन बोल रहा है, मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, राइट बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे सर नहीं पता है, मोलार मास मॉलिक्यूलर मास पता है, राइट यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए देखिए सेक्शन बी का है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसको करके सॉल्व करना है, देखेंगे इधर आ जाएंगे फटाफट से आंसर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ पे क्या क्या लिखने पे क्या क्या मार्क्स मिलेगा, ठीक है आ जाओ फटाफट से, किधर गया
सेक्शन बी का ना, इधर है ठीक है, लेट मी गिव अ 1 मिनट। ठीक है यहाँ देखिए, ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है देख लीजिए सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपको बोल फ्रैक्शन निकालना है, फॉर्मूला यही है, धड़ 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 ठीक है, रखना है और निकाल लेना है, सिंपल खत्म। देख लीजिए आंसर आ जाएगा, सबको समझ में आ गया? ठीक है श्रद्धा जी लिख रही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का है। बेटा केमिस्ट्री चल रहा है, ये केमिस्ट्री का चैनल है ये, ठीक है एच सी वर्मा नहीं पढ़ाते हम, ओपी टंडन वाले हम। ठीक है चलो आगे चले चले आगे चले, ठीक है चलो नेक्स्ट आगे चलते, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। ठीक है पूरा मूड अलग हो गया अभी तो, ठीक है आ जाओ फटाफट से इसका ढूंढो। ठीक है चलो चैप्टर नंबर 2 देखो फटाफट से, यही जो हासिल है ना ढूंढने की, यही आगे चल के काम आएगी अपने को लाइफ में। ठीक है चलो ढूंढो फटाफट से, ठीक है मिल गया अपने को क्वेश्चन, देखो कहाँ पर है ये देख लो, ये रहा। अब मेरे को बताओ फटाफट से, देखो सेक्शन डी के अंदर आया, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट 3 नंबर के लिए आया। देखो कैसा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, फोन को टेढ़ा करके देखो। ठीक है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट अ सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट बॉइल्स एट इतने पे, इवेलुएट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बी फॉर इथाइल एसीटेट इज। जल्दी जल्दी आंसर करना, जल्दी जल्दी आंसर करना, कौन से चैप्टर का पहले फटाक से आइडेंटिफाई कर लो। के बी सोल्यूशन का सीधी सी बात है, समझ में आ गया, बॉइलिंग वाला है, बॉइलिंग पॉइंट में से है ये, कहाँ से है ये, बॉइलिंग पॉइंट में से है। ठीक है ये 50 ग्राम दिया हुआ है, ये 150 ग्राम दिया हुआ है, ज्यादा कौन कम कौन, W1 W2, जल्दी जल्दी बोलो, ज्यादा ये होगा W1, ये होगा W2, वेरी गुड राइट। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसिटेट इज इतना, ठीक है ऑफ इथाइल एसिटेट बॉइल्स एट इतना, इवेलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बी, के बी अपने को निकालना है। ठीक है नहीं ये मोलर मास निकालना ना अपने को, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इफ के बी, के बी अपने को दिया हुआ है इधर, इफ इफ ध्यान से देखना, इफ के बी इतना दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकालना है, जल्दी जल्दी सबको समझ में आ गया? ठीक है बोले ठीक है। श्रेया जी क्या हो गया बेटा, अभी आप मैक्सवेल लिख रहे हो, ठीक है क्या हो गया बेटा, कोई तकलीफ है बेटा, ठीक है कोई तकलीफ है तो बताओ बेटा। ठीक है ऐसी ऐसी हरकतें मत करो बेटा, ठीक है चलो यहाँ आ जाओ फटाफट से। ठीक है ये देखो फटाफट से, ठीक है ये देखो, ये रहा इसका सोल्यूशन, देखो देखो ये वाला फॉर्मूला, एम टू इक्वल टू, देखो एम टू इक्वल टू 1000 KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। ठीक है सबसे पहले डेल्टा TB निकालना है, ठीक है ध्यान से देख लो, डेल्टा TB निकालना है, फॉर्मूला जो जो मैंने आपको बताया जो जो दिया हुआ है वो डेल्टा TB निकालने पे है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखने पे आधा नंबर है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके पूरा सॉल्व करने पे आधा नंबर है। देखिए ये यहीं से उठाया गया, देखिए मेरे फॉर्मूला लिस्ट के बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, गया तो फिर समझ जाओ, जाएगा ही नहीं आपको ही पता। देखो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू F, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया, दैट्स इट, सबको समझ में आ गया राइट। चलिए देखिए ये हो गया डन, डन हो गया डन, ठीक है चलिए अब इसमें आ जाते हैं हम लोग 21 वाले में फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ 21 वाले में चले आ जाओ, भले से अपने को टाइम लग रहा है ना लगने दो, एग्जाम में अपने को टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में अपने को पता रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या करना है। ठीक है राइट, इसके लिए तो अभी हम लोग टाइम दे रहे ना, चलो ओके चलो अभी फटाफट से इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, हर एक चैप्टर में से आपको एक ना एक मिलेगा। ठीक है ऑलराइट आ जाओ फटाफट से, अब इसमें आ जाओ फटाफट से, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तुम लोग ढूंढो मेरे साथ, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 किधर है, हाँ जल्दी जल्दी ढूंढो, 21 का पेपर है ये, अपनी आंखों से ढूंढो तुम लोग भी मेरे साथ, रिकॉर्डेड वालों ढूंढो बेटा ढूंढो ढूंढो, हसल करो थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 2 नहीं दिख रहा है क्या मेरे को, तो नहीं दिख रहा है, रहेगा एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, 5वां 13वां 8वां 15वां 3 9 10, 10 वापस से देखना पड़ेगा, 9 3 15 10 8 14 3, उसके बाद 5 7 14 15 8 4 4 7 5 14 13, ये रहा देखो ये रहा मिल गया, देखो ये रहा, मैं बोला ना एक 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 न्यूमेरिकल सब में से फिक्स है, न्यूमेरिकल जो बच्चा ऑप्शन में डाल के जा रहा है ना वो अपना घाटा ही कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है ये क्या हो गया, चलो इधर देखो फटाफट से, ये देखो ये रहा सेक्शन बी के अंदर, ठीक है ये रहा देखो 2 नंबर का आया, देखो किस पे से आया, देखो पहले पढ़ो अच्छे से, ठीक है देखो देखो किधर है बच्चों, इधर है देखो, व्हाट इज द मोलार मास, मोलार मास ऑफ सोल्यूट बोल रहा है, अच्छा मोलार मास को एम से यूनिट करते हैं, सोल्यूट के लिए यूज क्या करते हैं अपन 2, याद है ना सॉल्वेंट ज्यादा होता है ठीक है सोल्यूट कम होता है, इफ द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.82 ग्राम
ऑफ इट इन इतने के अंदर, ये देखो ये वॉल्यूम दे रहा है अपने को, ठीक है, ऑफ वाटर हैज द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अपने को पाई दे रहा है एट, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कौन सा, आप ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहा है अपने को, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट से बताओ, ठीक है, आंसर करो, आंसर 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 चाहिए मेरे को, मेरे चैट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब, आंसर करो, आंसर 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 जल्दी जल्दी आंसर करो, आंसर करो, आंसर 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 कहाँ से लगेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, ऑलराइट, जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड, ठीक है, चलो फटाफट से देखते, आ जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ गया, ठीक है, सेक्शन बी आ जाओ फटाफट से देखते, सेक्शन बी किधर चलेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, इधर ही था ना कुछ तो भी समथिंग, रुको, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर मास, ये रहा, ये देखो ये रहा, दिख रहा सबको, दिख रहा है सबको, ये देखो, ये देखो, ये रहा क्या फॉर्मूला लगा, देखो एम टू इक्वल्स टू डब्ल्यू टू इंटू आर टी अपन पाई इंटू वी, ये देखो ये अपने फॉर्मूला लिस्ट में इधर है, एम टू इक्वल्स टू डब्ल्यू टू पाई इंटू वी, इधर गया, इधर से निकालना है, ठीक है, आ जाओ, आप कैसे करोगे, देखो कैसे निकालना है, देखो ध्यान से, डब्ल्यू टू मैंने आपको बताया क्या होता है, राइट, आप वो रख दोगे, गैस कॉन्स्टेंट आपको याद है क्या होता है, टेम्परेचर आपको बोला गया 298, राइट, तो वो रख दोगे, बराबर 298 रख दोगे, पाई आपको दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने वो रख दिया, वी आपको बोला 0.3 डीएम क्यूब वॉल्यूम होता है, ये रख दिया, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, देखिए आप अगर फॉर्मूला लिख के आ रहे तो भी आपको हाफ मार्क मिल रहा है, समझ रहे, आप फॉर्मूला लिख करके वैल्यूज को करेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, हाफ मार्क मिल रहा है, तो इधर ही आपका एक नंबर हो जाएगा, समझे, फॉर्मूला लिखने का पहले, फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का, अच्छे से लिखने का, ठीक है, मतलब आपको आ गया सब कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर, ठीक है, चलिए आ जाते हैं इस पेपर में, ठीक है, चलिए लास्ट पेपर है, इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, आ जाओ फटाफट से करना है अपने को, ठीक है, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, ऑलराइट, चलिए चैप्टर नंबर 2 ढूंढना है अपने को, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन रिकॉर्ड वाला आंसर करना है इसका, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ढूंढो फटाफट से, इधर है देखो, ये मिल गया, ये देखो हेनरीज लॉ पे आया क्वेश्चन, दिख रहा है सबको, ये देखो हेनरीज लॉ देख रहे हो, और आपके सिलेबस में हेनरीज लॉ में आएगा पक्का, इस बार देखना, ठीक है, मोहम्मद क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, मजा लेने आए हो बेटा, एंटरटेनमेंट का चैनल है ये, जो आपको आज मजा चाहिए बेटा, मजा चाहिए आपको, बताओ बताओ, इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ कि आपको क्या लिखना है एग्जाम में, आपको क्या लिखने पे मार्क्स मिलेगा, और आपको मजा चाहिए, बताओ बताओ यार, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा, पर मैं अपने शब्दों पे कंट्रोल कर रहा हूँ, पर आप मजा मत लीजिए, पढ़ाई करिए, ठीक है, गला सूख चुका है फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बात का आप कदर करिए, ठीक है, आप अपने ऑफलाइन में गए रहोगे, वहाँ पे आपने 70,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 80,000 रुपया, 1,00,000 रुपया भरा रहेगा, और अब भरने के बाद वो लोग आपको पूछते तक नहीं होंगे, जब ये एकदम मेन घड़ी आई ना एग्जाम की, एग्जाम सर पे, तभी उन्होंने बरोबर से हाथ उठा दिया, सिलेबस कंप्लीट, अब तुम कौन हम कौन, फीस पूरा ले लिया खत्म, कॉलेज वालों ने पूरा ले लिया खत्म, इधर हम लोग टीचर्स लोग तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको मजा चाहिए, बताओ यार, अदे यार बताओ, सोचो इंस्टाग्राम पे जाओ ना, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे ऐसे घूम रहे जो कि अनएजुकेटेड है, अलग अलग कपड़े पहन पहन करके, अलग अलग चीज़ें कर करके वायरल हो रहे, अलग अलग हरकतें करके, वो मज़ा बरोबर से मज़ा दे रहे 10-10 मिनट में, एक एक सॉरी 10-10 सेकंड में लोगों को, और उन पे लाइक्स आ रहे, सब आ रहे हैं, वो चीज़ में जाओ ना, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों में फ़र्क है, एंटरटेनमेंट बहुत लोगों को मिल जाता है आसानी से, पर एजुकेशन बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, अगर आप देखोगे ना, आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप खुद से ऐसा रियलाइज़ करो, जब भी आप 10th से निकले, आप 12th में आ गए हो अभी, तो आप देखो आपके कितने दोस्तों के जो पीछे रह गए, ऐसे कुछ कुछ दोस्त रहेंगे, उनका चेहरा भी आपको याद नहीं आएगा, जो पढ़ाई नहीं कर पाए एक्स वाई जेड रीजन के वजह से, बहुत से बच्चे रहते हैं गाँव खेड़े में, आप जाओगे ना वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते, क्यों, पैसे नहीं है, कॉलेज दूर है, क्लासेस लगाने के लिए पैसे नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे, सबके अलग अलग संघर्ष है, सबके अपनी अपनी कहानियाँ है,
सब लोग अपनी अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, और इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप कभी जाओ दिल्ली में, मुखर्जी नगर में जाओ, कभी कोटा में जाओ, आपको दिखेगा कि लोग है ना 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे रोज एक बच्चे हैं, वैसे 5 6 बच्चे 10 बच्चे तो रोज हो गए, उनके मेरे को नाम भी याद हो गए हैं। वो रोज डालते हैं कि सर आज 8 घंटा पढ़ा, आज 12 घंटा पढ़ा, स्टॉपवॉच के साथ फोटो पैक कर करके। ये है हसल, ये है मजा, समझ रहा है? असली मजा ये है मेरे भाई। अब तक तू मजा ही नहीं समझ पाया। अपन भी मस्ती की घूम सकते हैं, मरीन ड्राइव पे चलते, किसी का हाथ पकड़ते, घूमते आराम से, उसको मजा नहीं बोलते, मजा इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं कर सकते ना, इसको मजा बोलते हैं। ये है लाइफ का मजा, असली मजा तो ये है। मजा ही नहीं समझ पाया अब तक तू कि मजा क्या होता है लाइफ में, समझ? असली मजा ये है, वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, समझा? ये वीडियो अभी जाएगी, लाइफ टाइम तक रहेगी यूट्यूब पे, तेरे बच्चे भी देखेंगे अगर अगर ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो। ठीक है, चलो आगे लेके चलता हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से देखना अभी फटाफट से, चलो आ जाओ भाई। हाँ कुछ तो बता रहा था मैं तुमको। हाँ क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ हेनरीज लॉ बता रहा था। देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इतना दिया हुआ है। अच्छा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब के एच इतना दिया हुआ है, ये समझ में आ गया। हेनरीज लॉ को यही बोलते, ये दिया हुआ टेम्परेचर। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब एस पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑफ इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर, मतलब पी भी दे रहा है, पी दे दे रहा है, के एच दे दे रहा है। निकाल लोगे, निकाल लोगे कैसे? सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू, नहीं सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू के एच इनटू पी, बराबर, राइट? आपको क्या है निकालना है, मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखो फटाफट से, मल्टीप्लाई करने बाद आंसर आ रहा है आपका, देख लो फटाफट से, ठीक है? सेक्शन ए में पूछा है 1 मार्क के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल पूछा है लोगों ने, मजा आ गया देख के, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ देखना एक बार, ठीक है? हाँ इधर देखो, ये रहा देखो, ये रहा देखो, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का था, बताओ। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता रहेगा तो उसके तो 1 मार्क गए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ना कि कोई कन्वर्जन कुछ नहीं, खाली मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। अब ये हो गया, अब ये हो गया, क्लियर हो गया सबको, डन हो गया सबको, समझ में आ गया? एक बार हाई करना तो मैं आपको थर्ड चैप्टर पे लेके चलता हूँ, ठीक है? थर्ड चैप्टर पे लेके चलता हूँ, आधा आधा घंटा सब चैप्टर के लिए लगेगा, 3 घंटा लगेगा, ठीक है? पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? चलो थर्ड चैप्टर पे मैं आपको लेके चलता हूँ, बोलो फटाफट से, थर्ड चैप्टर पे चले, आनिक पे चले, आपको समझ में आ गया ना किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है? अतुल यादव जी नेमिंग रिएक्शन के ऊपर वीडियो डाल रखा है, जाकर के सर्च करिए नेमिंग रिएक्शन पे, अभिषेक सर के मेज आपको दिख जाएगा, ठीक है? चलिए जोश दिखाओ, जोश। लास्ट बार हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने वाले कभी, अभी डायरेक्ट एग्जाम के दिन, ठीक है? चलो राइट, चले आगे की तरफ, राइट नेक्स्ट चले, चलो चले आगे लेकर के, आपको लेकर चलता हूँ मैं, ठीक है? चलो चलो चलो, ठीक है स्टार्ट करते, ठीक है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रुको एक दो लोग को टाइम आउट दे दूँ। कोई है, कोई दिख रहा है, कोई मस्ती वाला है? लॉक टेबल नहीं लेके जाना रहता, ठीक है? वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो भाई साहब आगे चलते, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? तीसरा चैप्टर करेंगे अभी, बहुत मजा आएगा, ठीक है? तीसरा, तीसरे में देखो बहुत ईजी है, इससे खतरनाक तो है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है? तीसरा वाला चैप्टर देखना ध्यान से। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये वाला बहुत यूज होता है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? ऑलराइट, ये वाला बहुत यूज होता है, ठीक है? ये वाला भी यूज होता है, दूसरा भी यूज होता है, ठीक है? ये वाला भी यूज होता है, तीसरा वाला, चौथा वाला बहुत कम यूज होता है, हाँ क्या? पर चौथा वाला तभी यूज होगा जब तीसरा वाला यूज होगा, ठीक है? ये वाला भी यूज होता है, ये वाला भी यूज होता है, ये वाला भी यूज होता है, 7 फॉर्मूला है खाली, कितना फॉर्मूला है? 7 फॉर्मूला है, ठीक है? देखना ध्यान से, देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है? अरे इधर देखना फटाफट से, देखो क्या क्या कह रहा है, देखो फटाफट से। परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इंटू 100, राइट? अच्छा अल्फा निकालना तो क्या करेंगे, परसेंट डिसोसिएशन को 100 से डिवाइड कर देंगे, ये तो खतरनाक वाला यूज होगा, सब क्वेश्चंस में ये यूज होगा, देखना आधे से आधे आपके क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मुला यूज होगा, परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 इंटू इक्वल टू अल्फा, ठीक है? ऑलराइट, इक्वल टू अल्फा, के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी होता है, इसको हम लोग इस तरीके से यूज करने वाले, अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी इक्वल टू अल्फा, ठीक है? पीएच क्या होता है, माइनस लॉग 10 ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर जो पावर में जो भी रहेगा ना, याद रखना वो इधर आ जाएगा आगे की तरफ, ठीक है? और इस माइनस से टकराएगा, और ये अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना, ये बहुत यूज होगा, ठीक है? अच्छा इन दोनों में से कोई भी एक निकालना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको निकल के मिल जाएगा, ये आएगा तुम लोग के एग्जाम में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ये डालना मांगते हैं उन लोग को, पेपर सेटर ने डाला भी है, मेरे को बताया है, ठीक है? चलो आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ, इधर देखो, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है? ये अपना बफर वाले में से आया, यहाँ से पीके कैसे निकलेगा, पीके इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 ऑफ के, पीएच उसी तरीके से सेम है, पीके भी निकालोगे माइनस लॉग 10 ऑफ के, इसके मैंने लिखा नहीं, केएसपी वाला आएगा तो समझ जाना बहुत ईजी है,
खाली उसको तोड़ने का, और एक्स और वाई आगे का होता है, तो एक्स का पावर एक्स, वाई का पावर वाई, एक्स प्लस वाई, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है? आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है? इस पेपर से देखते हैं, चलते 23 के पेपर में से क्या आया गया है, ठीक है? आप लोग भी मेरे साथ ढूंढ सकते हो, तीसरे पेपर में हम लोग क्वेश्चन ढूंढेंगे, ठीक है? ऑलराइट, चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन अपने को मिल गया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए एमसीक्यू उसके फॉर्म में मिल गया आपको। देखिए 23 के पेपर में क्या आया, देखो, द पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेसिक इज इतना, ठीक है? ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, बताइए कौन सा आंसर रही है सही है इसके अंदर से, ठीक है? आंसर करना फटाफट से, फटाफट से आंसर करना मल्हार, आंसर करना बेटा, राइट? चलो जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार आंसर करना, लाइक मारना फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करना, क्या आएगा इसका आंसर? रुचा आंसर करो इसका, कैसे करेंगे, ठीक है? और शुरू होते ही फॉर्मूला खत्म हो गया, बहुत कम फॉर्मूला है इसके अंदर, जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब कैसे करेंगे इसको हम लोग। ठीक है चलो भाई साहब फटाफट से बताओ, चलो 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 आंसर करो फटाफट से, ए बोल रहे हो तुम लोग, कैसे? पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस इज इतना, पीएच दे रहा है, इट्स ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है? तो चलिए आ जाइए हम लोग फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन है, शुरू होते ही खत्म होता है, पहले पे आ जाता है, एक एक क्वेश्चन तो आपको एक एक न्यूमेरिकल सब में मिलेगा, कितना इससे अपना बोलते हैं ना जंगल छुड़ा के भागोगे। ये देखो क्या है, देखो, अरे बाप रे बाप, तो ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है? एक मिनट रुको, इधर आ जाओ फटाफट से, ये देखो ये रहा, ठीक है? दिख रहा है सबको, राइट? मैं थोड़ा इस साइड में खड़ा हो जाता हूँ तो थोड़ा आपको और अच्छे से दिखे। ये देखो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है, अपने को एक दिया हुआ है तो अपन पीओएच निकाल लेंगे। देख बहुत ईजी है, एकदम मक्खन के जैसा समय, देख ले एक बार प्यार से देख, ठीक है? ऑलराइट, अब इसमें ना एक चीज है, पता है कौन सी वाली चीज है, दिखाता हूँ अभी। देखो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 है, राइट? अपने को ओएच माइनस का पूछ रहा है, बराबर? तो पहले तो पीओएच निकालना पड़ेगा, पीएच की वैल्यू कितनी थी उसने देख दी थी अपने को, जो भी दी थी, ठीक है? तो पीएच प्लस में उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देख पीएच प्लस का उधर चलेगा, एक माइनस हो गया, देख पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच। अब पीएच की वैल्यू 11.2 हम लोग ने रख दी, तो 14 माइनस 11.2 कितना हो गया, 2.8, बराबर? अब देख ये हम लोग ने क्या निकाला, पीएच, तो पीएच का फॉर्मूला कहता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 ऑफ ओएच माइनस, पीएच के पे 2.8। अब इसका एंटी लॉग निकालने का, अभी मैंने तुमको बताया एंटी लॉग कैसे निकालने का, ध्यान से देखो, हाँ बहुत कम लोग को आता है, क्या देखो प्लस वन और माइनस वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसियम में ऐड करने का अपने को, ठीक है? यहाँ पर देख लो कैरेक्टरिस्टिक समझते ना, वो पॉइंट आगे पीछे मेंटीसा, उसे मैंने आपको पढ़ा है, बराबर? तो देखो एक बार माइनस वन किया, एक बार प्लस वन किया, ये आपको मैंने फॉर्म करवाते समय करवाया है, राइट? अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 1.0 में से 0.8 चले गया, तो बचा कितना, 2, 8, 9, 10, समझ आए? 2 बचा, फिर इसको कैसे लेंगे, इसको 3 बार में ले लेंगे 3.2, फिर देख लेंगे अपन, ठीक है? सिंपल सी बात है 20 का, राइट? ऐसे अपन देख लेंगे एंटीलॉग, एंटीलॉग देख करके अपन निकाल लेंगे, पा 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 बार वाला 3 है, ऊपर चला जाएगा 10 बार माइनस 3 में, खत्म। समझा सबको? अच्छा है, लंबा है, मस्त है, तगड़ा है, एक स्टेप इधर एक स्टेप इधर, तब जा करके आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन देख लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है? ऑलराइट, तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है? ऑलराइट, एक नंबर का था पर अच्छा था, ठीक है? मेहनत करवाएगा क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ जाते हैं, 22 के पेपर में हम लोग आ चुके हैं, 22 के पेपर में घुस चुके हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, ठीक है? चलिए आप लोग मेरे साथ ढूंढ सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, आपको दिख रहा हो, ठीक है? ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए वापस से क्वेश्चन आ गया ना सेक्शन बी के अंदर, देखिए द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, पीएच आपको दे रखा है, आपको H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? इस तरीके से देखिए सेक्शन बी, ठीक है? आ जाइए इधर, आ जाइए सेक्शन बी, ठीक है? इधर क्या सेक्शन बी, हाँ इधर है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है? देखिए ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सबके सब, यहाँ देखेंगे, ठीक है? यहाँ देखेंगे सबके सब, देखिए देखिए द पीएच ऑफ इतना दे रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एचसीओ प्लस आयन, ठीक है? पीएच आपको दे रखा है, एच प्लस आयन फाइंड आउट करना है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 10 ऑफ एचसीओ प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, पीएच की वैल्यू लग रहा है 3.12, ठीक है? वही सेम सेम जो हम लोगों ने पहले किया था, लॉग को उधर पे घुमा देंगे, एंटी लॉग निकालना है, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ तक आप करोगे एंटी लॉग निकालना है, फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में क्या करोगे, 1-1 ऐड करोगे, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है अफसाना, डोंट स्पैम, डोंट स्पैम बेटा, मेरे मॉडरेटर आपको डायरेक्ट 24 आवर्स का टाइम आउट देंगे इसके लिए, इधर जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ये प्लस वन और माइनस वन आ रहा है, इसको आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, कुछ करना नहीं है बेटा, बहुत ईजी है, ठीक है? पॉइंट के पहले है एक नंबर, देख ले 3.12 है, इसमें प्लस वन कर, उसमें माइनस वन कर 0.12 में, ठीक है? तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, देख ध्यान से देख ले, मैं तेरे को करके दिखा देता हूँ, तू अगर हाथ चला लेगा तो तेरे को आ जाएगा, और ये एग्जाम में आएगा, तेरे को ही पता, देख
दो दो बार पेपर में यही पूछा है, सेम इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है देख 3.12 है, इसको अलग कर दे, देख 3 एक बार प्लस 1 कर दे बराबर, फिर उसके बाद क्या कर देगा देख, ये -0.12 ठीक है, और राइट तो एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 ठीक है, समझा सिंपल है हो जाएगा। ठीक है प्लस 1 माइनस 1 कर दे हो जाएगा, ठीक है और राइट आ जाएगा जैसे हम लोग ने पहले किया था ना वैसे उसी तरीके से सेम इसको करना है आपसे, बन जाएगा -3 -1 -4 ठीक है, चलिए हो जाएगा डन। ठीक है -3 -1 -4 ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 पे आते हैं हम लोग, 21 पे आते हैं ठीक है। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा इसके बाद ठीक है, चलो तुम लोग मेरे को मालूम है 200 लोग तो गायब हो जाओगे, कोई बात नहीं ठीक है, चलो आ जाओ सेक्शन नहीं देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये देखो ये रहा, ये देखो ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा नहीं रहेगा पर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ और PbI2 ठीक है, ये निकालना है आपको, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है ठीक है, और राइट चलिए ओके वो क्वेश्चन है मेरे को मालूम है ना ठीक है, ये देखिए डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pH अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, और राइट ये देखिए ये आ गया, देखिए रे आंसर देखिए, अब वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएट, मतलब पहले वाले फॉर्मूले से लगेगा ठीक है, इन 0.02 मोलार सॉल्यूशन द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को पूछ रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या पूछ रहा है, के पूछ रहा है एसिड का ना, देखिए कैसे सॉल्व करना है यहाँ देखेंगे आंसर देखेंगे हम लोग ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस हो जाएगा खत्म ठीक है, देखिए आंसर देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड ऑफ द एसिड इज, एसिड बोला ना इधर बी क्यू लिख दिया, ए लिखना चाहिए ना ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएट, हाँ देखो ये देखो सिंपल है, देखो के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी, हाँ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक बेसिक ना बेसिक बेसिक वीक 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 मोनोबेसिक ठीक है, के बी सॉरी के बी, के मेरे मुंह से निकल गया के बी ठीक है ऑलराइट, फिर इसको सिंपल सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर इनटू सी है, आपको अल्फा निकालना है जिस तरीके से मैंने आपको सिखा रखा है ठीक है, फिर उसके बाद आपको के बी वाले को इसमें फॉर्मूले में रखना है ठीक है, पहले आपको अल्फा निकालना है, ध्यान से सुन लीजिए मैं आपको सबको बता रहा हूँ, 0.05% डिसोशिएट हो रहा है, परसेंट डिसोशिएशन दिया हुआ है तो आपको अल्फा निकालना है 100 से उसको डिवाइड करके, फिर ये जो आपकी अल्फा की वैल्यू होगी आपको इसको इस फॉर्मूले में रखना है ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बातों को सुनो ध्यान से ठीक है, ऑलराइट देखो इसको यहाँ पर रख देना है स्क्वायर करना है, सी की वैल्यू आपको दिया था 0.02 तो इसको कन्वर्ट कर दोगे तो 2 × पॉइंट को दो बार सरकाओगे तो 10⁻², ठीक है इसको इसको मल्टीप्लाई करने के आंसर आ जाएगा, सिंपल है ठीक है, ऑलराइट चलिए 22 का देख लेते हैं अपन, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा ठीक है, ये देखिए ये रहा देखिए वही उसी तरीके से आ रहा है, दो ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा, या तो पीएच पे आएगा पीएच पे आएगा या तो इस पे आएगा के या के वी पे ठीक है, ये देख लीजिए ये आप देखिए खुद से, तब तक मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसको एक बार देख लेना ठीक है, चलिए कितने लोग हैं मैं देख लूँ ठीक है, 927 लोग हैं, देखता हूँ मैं कितने गायब होते हैं, कितने देखता हूँ मैं कितने कितने गायब हो जाते हैं देखता हूँ मैं ठीक है, चलो
जय महाराष्ट्र आप कहते हैं झगड़े। अरे हेलो हेलो, 300 गायब हो गए, बताओ। अब मूड पूरा खराब कर दिया तुम लोग ने, बताओ। बताओ 300 को मैं क्या कहूँ, और रिकॉर्डेड वाले, ये बिना लाइक करके देखने वाले, सबका हिसाब होगा एग्जाम के एक दिन पहले। टेंशन मत लो, सीधा चले जाऊंगा मालदीव, सॉरी लक्षद्वीप, सॉरी सॉरी सॉरी, झूठ, गलती से निकल गया, ठीक है। इधर चले जाऊंगा लक्षद्वीप, घूमूंगा मस्ती की मैं और अजय सर, ठीक है। निकल लेते हम लोग भी 20 को, टिकट टिकट बनाते, हाँ गांव जाकर के आ जाते, यूपी जौनपुर, अयोध्या जाके आ जाते, कहीं घूम के आ जाते हम लोग तुम लोग के चक्कर में। 200-300 गायब हो जा रहे हो, बताओ। अच्छा जितने होते ना तो लाइक मार दो, 2000 के पार पहुंच जाएंगे हम लोग। चलो जल्दी जल्दी चलो चलो, कोई बात नहीं रुदा, बढ़िया है, चलो आगे चलते हम लोग, ठीक है। कौन कौन है एक बार अटेंडेंस ले लूं मैं फटाफट से। युगांडा, वहां तो रहते हैं ना तुम, ठीक है, वहां तो रहते हैं ना हम, ऐसे कैसे, ठीक है, वहां से कैसे जाएंगे। चलो बताओ फटाफट से, चलो ये क्या है, ये ऋतुजा चोर है, नहीं ये नहीं सुधरेगी, आप लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ए यार गालियां गलत 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 मत बोलो यार मेरे मॉडरेटर्स को, ठीक है। मॉडरेटर चैट कर रहे हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। 1-1 करोड़ दिया है उन्होंने, पता नहीं तुमको, ठीक है, पेटी पेटी पैसे दिए उन्हें, बताओ जल्दी जल्दी। बढ़िया, देखो ये है असली पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, एएससी के असली कट्टर समर्थक ये हैं। आ गए 100 वापस आ गए, चलो ठीक है, स्टार्ट करते फिर, ठीक है। आवाज आवाज एकदम क्लियर है ना, शुरुआत करें आगे की, आगे की तरफ, आगे का तरफ रंगारंग कार्यक्रम बढ़ाए। कितना टाइम हो चुका है मैं भी देखूं। अच्छा 1 घंटे में 3 चैप्टर मैंने करवा दिया, क्या बात है, तालिया एक बार जोरदार तालिया, बजाओ बजाओ, ठीक है। चलो आगे चलते, 1 घंटा और करेंगे, 3-6 हो जाएगा बाकी का भी, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही मलार, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। आसमान, साहिल, विवेक, अंकिता, कुछ कुछ बच्चे तो डेली आते हैं, रिहान शेख जैसे कि हो गया, आरती, शिवम विश्वकर्मा, वेरी गुड। चलो मलार स्टार्ट करते फिर, ठीक है। चलो ज्योति जी चलिए शुरुआत करते फिर, आ जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर देखिए मैंने हाथों से लिखा है अपने, देखिए ऐसे मिटाऊंगा, नहीं, मिटना नहीं चाहिए, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, चलो यहाँ ध्यान देना अभी फटाफट से, चलो अभी फटाफट करना है, ठीक है। आ जाओ आयनिक हो गया अपना, ठीक है, आ जाओ इस पे आ जाओ, ठीक है, इस पे आ जाओ, थर्मो पे आ जाओ, थर्मो तगड़ा चैप्टर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक अकेला फॉर्मूला आपको 1 नंबर दिला देगा एग्जाम में, ठीक है। देख लो कौन सा वाला, डब्ल्यू मैक्स, अभी मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, इधर फोकस करना, हाँ देखो, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अच्छा डेल्टा वी कैसे निकालते, अच्छा चल रहा है क्या ये, रुको ठीक है, देखो यहाँ देखना, ठीक है ध्यान से देखना, डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, वी टू माइनस वी वन करके, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर देखना कंप्रेस और एक्सपांड आपके एग्जाम में लिख के आएगा, कंप्रेस बोला तो दबाना, समझ रहे हो, पिस्टन को रे, और एक्सपांड बोला तो बोलते ना अपन ऐसे एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, बढ़ना, राइट। चलो यहां ध्यान देना, डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग 10 V2/V1, ये अकेला आपको देगा मार्क्स, ठीक है। यहां पर देख लो ये फॉर्मूला आपको अकेले मार्क्स देगा, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी कैसे निकालते, इंथाल्पी वाला फॉर्मूला है, डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और डेल्टा एच नॉट नॉट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये एक बार चेंज भी हो जाता है, यही फॉर्मूला चेंज भी हो जाएगा जब बॉन्ड इंथाल्पी बोलोगे ना, इधर देखो ध्यान से, जब बॉन्ड इंथाल्पी बोलोगे ना तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, ओ दादा इधर देखो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा कभी जब बॉन्ड इंथाल्पी बोलोगे, और जब ये डायरेक्ट ऐसे इंथाल्पी वाला रहेगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये बहुत खतरनाक चीज है, हाँ क्या। फिर स्टैंडर्ड इंथाल्पी के क्या रहता है, रिएक्शंस को रिवर्स करने का या फिर ऐड करने का बच्चों, या तो सब्सट्रैक्ट करने का, और डेल्टा जी वाला फॉर्मुला बहुत रेयर यूज होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एक और डेल्टा जी का फॉर्मुला होता है वो आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। और एक डेल्टा जी का यहाँ पर फॉर्मुला दिया हुआ है, डेल्टा जी इक्वल्स टू 2.303 आर टी लॉग 10 केपी, बस इतना ही फॉर्मुला है, 8 फॉर्मुला है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला देख लो, ये वाला ध्यान से लिख लो, ये वाला, इसमें आपको ना प्रेशर पे भी आएगा, प्रेशर पे आएगा तो P1/P2, तगड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यार देखना एक बार फटाफट से, एक एक करके देखते हम लोग, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते, ठीक है। चलिए आ जाते हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करते, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 3 देखो, ढूंढो चैप्टर नंबर, सॉरी 4, चैप्टर नंबर 4 देखो, 3 तक हो गया अपना, ठीक है, 4 देखो, 4, ठीक है, ध्यान दे, 4 ढूंढो फटाफट से, तुम लोग जैसा ढूंढो।
ये रहा, ये रहा, 3 नंबर का आएगा, और इससे आसान हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ध्यान से देख लो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ध्यान से इस पहले क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो आप क्या क्या काट सकते हो, आप क्या क्या काट सकते हो। चलो कम ऑन, सबके सब आंसर दो, क्या क्या आप कट कर सकते हो। देखो अपोजिट अपोजिट साइड का कट होता है, देखो ध्यान से कट कैसे करोगे आप लोग। देखो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड वाले में बताया, देखो क्वेश्चन बताया कैसे करना। देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो रिवर्स करके ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ध्यान से देखो किसको किसको काटोगे, बताओ किसको किसको काटोगे। 3 इक्वेशन देखो, खाली घुमा करके काट करके ऐड करना है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने छोटे भाई बहन जो रहेंगे ना 5वीं 6वीं के, उनको भी ये बताओगे ना, बेटा बाड़ा बाड़ा सोनिया सोनिया इतने बग ना इतने कौन कौन सेम है, तो ढूंढ के बता देगा कि क्या क्या सेम है, उसको रिवर्स करके काटना है। खाली देखो यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर CO2 है, तो समझ में आ रहा है क्या कटेगा, बरोबर। और सोचो और क्या कटेगा, और क्या क्या कट सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना अपना भी, ठीक है दिमाग लगाओ। CO2 काट सकते, और कुछ तो भी काट सकते रहेंगे ना, H2O है यहाँ पर भी, H2O है, 2 से मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं क्या, राइट। और क्या काट सकते बताओ, बताओ रिवर्स करके काटना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, राइट। चलो यहाँ देखना अभी फटाक से, ठीक है इसको कैसे सॉल्व करना देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का, राइट। ऑलराइट चलो देखो बहुत इजी है ये आएगा ना एग्जाम में, तो बोलना अरे वाह 3 नंबर फोकट के मिल गए, ठीक है खाली रिवर्स करके काटना रहेगा आपको, ठीक है। ऑलराइट इधर देखो, यहाँ देखो ये रहा, ये देखो, ये देखो पहला क्या करना है, ठीक है पहला देख लो, ये आपको अब क्या करना है देखो ध्यान से, CH3OH is to be formed reverse equation number 1। एक बच्चे ने बरोबर आंसर दिया था, देखो रिवर्स करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, एंड एड इन द इक्वेशन नंबर 2, दैट्स इट, ठीक है। देखो पहले वाले को रिवर्स कर दो, पहले वाले को रिवर्स करके एक नया इक्वेशन बना लो, ठीक है पहले वाले को रिवर्स करके एक नया इक्वेशन बना लो, फिर उसके बाद दूसरे वाले में उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन कर करके जो जो आप याद रखना, जो जो आप करोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत ईजी है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर नहीं समझता है ना तो प्लीज़ जा करके बस यूट्यूब पे इतना सर्च करना, इसी फोन में थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री, आपको दिख जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है इसको कैसे रिवर्स करने का है, खाली आपको सेम सेम देखने का है, रिवर्स करने का है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके बस खत्म, ठीक है। और याद रखना वो जो वैल्यूज लिखी रहती है उसमें भी करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है उसमें भी ये साइड वो सारी चीज़ें चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ देख लो ये रहा, ठीक है ये देख लो ये हो गया, ठीक है ऑलराइट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है ऑलराइट बहुत ईजी है ये, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक बार छोटा वर्ड से बताओ, हो जाएगा ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई नहीं फटाफट से रुक जा, फटाफट से बताओ, ठीक है जल्दी जल्दी बोलो भाई फटाफट से बोलो, ठीक है मॉडरेटर्स को टाइम आउट देना पड़ेगा लग रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करो, हो जाएगा बोलो भाई साहब, नायन जल्दी जल्दी आंसर करो, हो जाएगा ये डन, हो जाएगा अंडरस्टूड राइट, अंडरस्टूड राइट, जिसने इसने न्यूमेरिकल किया है उसको पता रहेगा कैसे करना, राइट ठीक है चलो क्लियर, ठीक है होगा 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 ना, हो जाएगा राइट, हो जाएगा ठीक है, बहुत सिंपल है मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा, खाली रिवर्स करना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है कर लो इसको, हो जाएगा ये डन हो जाएगा, ठीक है चलो ये हो गया इस पेपर में से, ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ज्यादा हार्ड नहीं आता इसमें से, ठीक है ऑलराइट अभी इसमें से देखते हैं हम लोग, ठीक है चैप्टर नंबर 4, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, अगर वो क्वेश्चन आया ना आपके पेपर में तो आप समझ जाना 3 नंबर आपके फोकट के, ठीक है खाली घुमा करके काटने हैं, ठीक है चलो यहाँ देखना, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली और रिवर्सली, जब आपको ये दिखेगा ना ये वर्ड आइसोथर्मली और रिवर्सली, तब जाकर के समझ जाना डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो डब्ल्यू मैक्स क्या बोलता है ध्यान से देखना, डब्ल्यू मैक्स बोलता है 2.303, ठीक है 2.303 NRT बराबर log 10 V2/V1, दैट्स इट, ठीक है आपको वही लगाना है इसके अंदर, ठीक है ऑलराइट, 2 मोल्स की जगह पे देख लीजिए 2 मोल्स नंबर ऑफ, ये मिल करके आ गया अपने को आइसोथर्मली, देखो एक्सपांड बोला है, एक्सपांड बोला है तो V1 कौन सा V2 कौन सा, एक्सपांड मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये V1 ये V2 समझ रहा है, R की वैल्यू दी हुई है, वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है आराम से आपके 2 नंबर पक्के। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ध्यान से सुनना, जब भी ये वर्ड दिखे आइसोथर्मली एक्सपांडेड ही हो तो वो लिखना, ठीक है अब ये फॉर्मूला लिखने पर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है और एक सेक्शन डी का क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ध्यान से देखो यहाँ पर सेक्शन डी का क्वेश्चन, ठीक है इधर का ये रहा देखो, ये रहा ये देखो, ये रहा ये देखो, ये रहा दिख रहा है आपको, देखो हाफ मार्क्स इस पर मिल जा रहा है, हाफ से एक एक मार्क्स भी देते हैं लोग, ठीक है टेंशन नहीं, ठीक है
राइट देखो वैल्यूज को लिख दिया आपने, जो जो मैंने आपको बताया था वो आपने लिख दिया, वी वन पे चल लिया, वी टू पे चल लिया, टी लिख दिया, आर लिख दिया, एन लिख दिया, ठीक है, फॉर्मुला लिख दिया, हाफ मार्क्स मिल गया, ठीक है। फॉर्मुला में सब्स्टिट्यूट करके खाली सॉल्व करना, देखो 20 से इसको काट लो, जीरो से जीरो आड़ा, ठीक है, दो एक कम दो काट लो, दो एक कम दो, ठीक है बच्चा, एक पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाया, दो पच्चे दस, खत्म, 2.1.5, ठीक है, तो 1.5 इधर आ जाएगा, फिर लॉग देखो, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई कर लो, इजी क्वेश्चन है, आपके मार्क्स से आपके दो नंबर, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अब 22 के पेपर में भी हम लोग देख लेते फटाफट से, 22 के पेपर में क्या क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना अभी 22 के पेपर में, इधर फोकस करना, ठीक है, इधर देखो, ये तो इजी है, इंथाल्पी ऑफ ए, ये तो सिंपल है, ठीक है। सॉलिड से अगर डायरेक्ट लिक्विड होता है तो क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, कंबंशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, रिकॉर्ड डालो, आंसर करो, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी ढूंढना मेरे साथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, हाँ ये रहा देखो, ये रहा, ये देखो वापस से वही क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ क्या वापस से वही क्वेश्चन आया, इधर देखो, इधर इधर फोकस करो, मैं आपको बता रहा हूँ, दो ही में से आएगा, साद अंसारी नेमिंग रिएक्शन का वीडियो बेटा मैंने डाल रखा है, आप सर्च कर लो, ठीक है, मेरे नाम से, ठीक है। चलो आगे की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, ग्रुप में ही भेज दिया, फिर भी नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन पड़े पीछे ही पड़े, उसके पीछे ही पड़े, ठीक है। ऑलराइट, वन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, देखो एन की वैल्यू हो गई वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली रिवर्सिबली, अच्छा ये दिख गया तो क्या लिखोगे बताओ, समझ गया, ये लिख गया तो क्या लिख दोगे, डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला, फ्रॉम एक्सपांड बोला है, देखो एक्सपांड बोला है, फ्रॉम 10 लीटर से लेकर के 15 लीटर, देखो न्यूमेरिकल कुछ रिपीट नहीं होगा, वही आएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इस चैप्टर, ये जो है ना वीडियो, इसके बाद न्यूमेरिकल जाएगा ही नहीं, फंस जाएगा इसी में से, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना सारे चैप्टर्स के, ये हो गया वी वन, ये हो गया आपका वी टू, ये हो गया आपका टी टेम्परेचर, ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, 8 नंबर गली मकान नंबर 314, ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता है, वर्क डन निकालना है आपको, डब्ल्यू मैक्स निकालना है, डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू फॉर्मुला पता है, फॉर्मुला लिख दो 2.303, ठीक है, एन आर टी लॉग 10 वी टू बाई वी वन, फॉर्मुला लिख करके मार्क्स ले लो, पहले उसको सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, खाली काट लो फटाफट से, 10/15 है, ठीक है, और वी टू बाई वी वन 15/10, ठीक है, हो जाएगा फटाफट से बताओ, सेक्शन बी के अंदर आया है क्वेश्चन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हल्के में मत लो इसको, जो हल्के में लिया तो मतलब बाद में पछताएगा, बोलेगा अरे हाथ के मार्क्स थे मेरे, ठीक है, चले गए पर हाथ के नीचे थी, ठीक है, बोले क्योंकि हाथ गलत जगह चल रहा था, ठीक है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, ठीक है, तो बाद में शौक लगेगा, इससे अच्छा भी पढ़ लो, ठीक है, देखो ये वैल्यूज रख दिया, वैल्यूज रख करके जमा जम सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है, पहले काट लेने का 10/15 काट लेने का, ठीक है, 10/15 काट के लॉग निकाल करके तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, हो गया आपका थर्मो भी खत्म, ईजी है, खाली 3 से 4 न्यूमेरिकल, अंसारी बेटा, अंसारी अंसारी अंसारी, इधर देख, इधर कॉपी पेस्ट मत कर कमेंट में, इधर देख, मैं तेरे से बात करूँ बेटा, नेमिंग रिएक्शन की वीडियो, अभिषेक सर केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, सर्च कर दे यूट्यूब पे, वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, अब वापस स्पैम मत करना, ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट, आ जाओ अब इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा टफ, इधर मामला थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, अब देखना क्या, कुछ बच्चे तो मेरे को लगता है तुम लोग क्या कान में कॉर्ड लगा के देखते हो क्या, मतलब अंसारी को मैं एक बार बोल दिया हूँ तो भी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाई रहा हूँ, ना पढ़ाई में ध्यान है ना मेरी बोलने पे ध्यान है, खाली लिखे जा रहा है, ठीक है, इधर देखो, लैम्डा इक्वल्स टू 1000 K/C, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा देखो, ये कोलहर्स लॉ से निकालना है, ठीक है, ये भी ईजी है, तीसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये वाली बात कर दी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर तगड़ा मामला अटकेगा, सेल कॉन्स्टेंट पे K into R, ठीक है, W इक्वल्स टू I into T 96500, इधर क्वेश्चन अटकता है, मोल रिएक्शन टू मोलर मास, ये तगड़ा फॉर्मूला है, याद रखना चारों एक साथ नहीं आएगा, बहुत रेयर केस में आएगा, ज्यादातर इधर ही खत्म हो जाएगा, बहुत रेयर केस में आएगा कि यहां तक आपको लेके जाएगा, और लेके जाएगा तो सेक्शन सी तक लेके जाएगा, उसके बाद ई सेल, ये तो आपको 110% आएगा, ये इसको स्टार मार्क करके लेके चलो, इसमें से आप हमेशा यही आता है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करके, ठीक है, राइट माइनस कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करके, ठीक है, अब देखो ये भी खराब हो रहा है, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट माइनस लेफ्ट करके, ठीक है, अभी रुक जाओ, ये अभी अटक चुका है, पर तुम लोग इधर देखते हो, चलो
ई नॉट सेल 0.0592 अपॉन एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पहले ये माइनस कर लेना फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रख देना ठीक है। ई नॉट सेल की जो वैल्यू निकालोगे यहाँ से माइनस करके यहाँ पर रखनी है आपको, ओके खत्म, बस इतना ही है, छह ही फॉर्मूला है बस ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6 ठीक है, बस छह ही फॉर्मूला है। ऑलराइट क्लियर हो गया सबको, डन 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 ठीक है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ ठीक है, ये हो गया ठीक ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको और अच्छे समझेगा ठीक है। चलिए यहाँ से देखना हम लोग चालू करते हैं ठीक है, क्वेश्चन को देखते फटाफट से, एक एक क्वेश्चन देखेंगे ओके। यहाँ देखना 5000 पर आप भी मेरे साथ ढूंढने की कोशिश करना तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए इधर है क्वेश्चन, देखिए ये देखिए ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में इजी रहता है, खाली प्लस माइनस करना है ठीक है। इस पे आते हैं आपके क्वेश्चन, देखो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये दिया हुआ है ई नॉट सी डी ई नॉट ऑफ सी यू ठीक है। आप ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है मतलब माइनस करके निकालना है। अच्छा आपको ये आता है क्या, ये इसका ये लिखने आता है क्या? मैं देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते समय समझा है, देखो कैसे पढ़ाया था, देखो आपको याद करो याद करो, एक डंडा दो डंडा याद है क्या सबको, इधर बैठाने का राइट वाला राइट में आता है लेफ्ट वाला लेफ्ट में आता है, याद आ रहा है क्या? वो चीज करो, वो चीज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा राइट में कौन आ रहा है लेफ्ट में कौन आ रहा है, फिर राइट माइनस लेफ्ट करना है आपको, दैट्स इट। तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट, आपको इतना ही करना है ठीक है। पहले रिएक्शन दिया उसका फॉर्मुलेशन लिख करके, फिर आपको फॉर्मूला तो पता ही है, राइट माइनस लेफ्ट करना है ठीक है। और चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ तब आपको और अच्छे समझेगा ठीक है। यहाँ देखो ठीक है, यहाँ देखो आ जाओ कहाँ गया, इधर देखो देखो ये रहा राइट, ये देखिए इधर देखिए उधर की तरफ देखिए, इधर देखिए इधर देखिए राइट, देख लीजिए आराम से सिंपल सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है ध्यान से देख लीजिए, आपको बस वही करना है राइट माइनस लेफ्ट करना है, आपको क्या करना है राइट माइनस लेफ्ट करना है ठीक है। याद रखना यहाँ पर जो माइनस लगेगा तो क्या करता है, उस माइनस की वैल्यू को क्या कर देता है, इस माइनस को टकराएगा प्लस हो जाएगा ठीक है। समझ में आ गया क्या करना, राइट माइनस लेफ्ट करना है ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो सॉलिड को अपन लेंगे नहीं, सॉलिड को अपन लेंगे नहीं, कैडमियम 2+ है फिर कॉपर है राइट, तो राइट वाली चीजें राइट में आएंगी, लेफ्ट वाली चीजें राइट लेफ्ट में आएंगी ठीक है। तो डबल डंडा एक डंडा एक डंडा ठीक है, ऑलराइट फिर उसके बाद राइट वाली चीजें राइट में, लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में, पता ना मैंने पढ़ाया ये, लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में राइट वाली चीजें राइट में, ऋषिकेश आदित्य स्पैम नहीं बेटा ठीक है। ऑलराइट तो उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा ये आपसे, सिंपल है, एक बार ट्राई कर लो हो जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर ठीक है। चलो ऑलराइट नेक्स्ट नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ मैं ठीक है, ठीक है देख लो खाली वैल्यूज को आपको रखना है ठीक है। ऑलराइट देखिए सी डी की वैल्यू क्या थी, ये थी सी डी की वैल्यू ये है ठीक है, तो सी डी की वैल्यू इधर आएगी राइट में राइट, क्यों राइट में आएगी क्योंकि सी डी राइट में, मेरे को बस समझाना पड़ेगा आपको, समझेगा नहीं वैसे, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये हाथ का मार्क्स है, मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से मार्क्स निकल जाए। देखिएगा ध्यान से, देखिए पहले आपको डबल डंडा बनाना है फिर सिंगल बनाना है फिर सिंगल बनाना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर एरो के राइट साइड में जो रहता है ठीक है, कौन सी साइड में, राइट साइड में, तो वो इधर देखो, इधर अगर अपन एक पर्सन बैठाएंगे ठीक है, एक अगर अपन एक पर्सन बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वो राइट साइड में आ जाएगा, यानी कि सी डी 2+ ठीक है, राइट है ना इसका, और ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ठीक है, कॉपर नहीं सॉरी सी डी आ जाएगा ठीक है, सी डी के बाजू में सी डी आएगा, इतना समझा तेरे को राइट। अब देख यहाँ पर एक बंदा बैठा ठीक है, यहाँ पर एक बंदा बैठा, अब देख यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है राइट में, ये राइट है ना इसका, ये लेफ्ट है, मैं थोड़ा सा फिर इसका ये कॉपर, फिर यहाँ पर क्या, ये तो हो गया राइट वाला ठीक है, लेफ्ट में क्या है, वहाँ पर कॉपर 2+ है राइट। अब क्या करेगा, अब तो यहाँ पर एक बंदा बैठा, देख ले ध्यान से एग्जाम में आएगा ये, फिर यहाँ पर एक बंदा बैठा ठीक है, फिर उसका ये राइट देख, इसका लेफ्ट देख, अब इसके राइट में क्या है बता, इसके राइट में है सी डी 2+, क्या है सी डी 2+ राइट राइट, सी डी 2+ इसके राइट में, और इसके लेफ्ट में क्या है बता, इसके लेफ्ट में कॉपर 2+ राइट। तो देख सी डी 2+ की ये वैल्यू है और कॉपर 2+ कॉपर की वैल्यू ये है राइट, तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को राइट माइनस लेफ्ट मतलब इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे ठीक है। ऑलराइट सी डी 2+ माइनस ये, दैट्स इट हो जाएगा ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट मार देना हो जाएगा ठीक है। ऑलराइट चलिए, बहुत से बच्चे स्पैम कर रहे, कृपया करके ना करिए ठीक है। चलिए और एक बार खुद से ट्राई करना, आपको समझेगा नहीं समझेगा तो डिटेल लेक्चर में देखना इसको ठीक है। ऑलराइट राइट माइनस लेफ्ट कर लेना इसको ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर ठीक है। और ढूंढने दो मेरे को आराम से, रुको चैप्टर नंबर 5
लेट मी चेक चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 कहाँ है? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 ये रहा नन्हे से क्वेश्चन वाला, ठीक है, ऑलराइट। चैप्टर नंबर 5 ये रहा, देखिए द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, चैप्टर नंबर 6 का है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आज सुबह ही कराया था। चलिए ढूंढ लेना आप लोग आराम से, ठीक है, बाकी के भी ढूंढना ट्राई करना, हो जाएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। नहीं तो मैं आपको एक एक ढूंढ के और दे देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए इसके लिए चल नहीं रहा था, बरोबर हैंग कर रहा था, रुको। चैप्टर नंबर 5, मार एग्जाम, एक एग्जाम के एक दिन पहले लूंगा बेटा, अभी नहीं बेटा, ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फिजिक्स का एग्जाम दे करके आ रहे होगे एकदम तड़प तड़प के, पेपर खराब किया, पेपर खराब किया, तभी वो टाइम पे मैं तुमको केमिस्ट्री में हीरो बना दूंगा। ये देखो, ये रहा, देखो वैसी सेम करना है जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यही यही सेम है, देखो वही आएगा आपको, स्टैंडर्ड के ऊपर ही आएगा, उसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, स्टैंडर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, देख लो आप आराम से उठा के देख लो कोई भी, ठीक है, स्टैंडर्ड के ऊपर ही आपको क्वेश्चन दिखेगा, और किस पे दिखेगा नहीं जल्दी, ठीक है। और ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये भी वही है, देखो इधर देखो, स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड के ऊपर ही आएगा आपको क्वेश्चन, माइनस करके वही निकालना है आपको, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आयुष, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे की तरफ लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया ना, इसमें खाली आपका यही एक ही ज़्यादा काम का, ठीक है, यही वाला राइट माइनस लेफ्ट वाला, ठीक है, और आपको सेल कॉन्स्टेंट पे भी आना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी कुछ ज़्यादा इतना आएगा नहीं, ठीक है, इस पर आएगा तो इस पर सी टी टी में आता है, डब्ल्यू वाले पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं आपको, केमिकल काइनेटिक्स पे लेके आता हूँ, ठीक है, देखेंगे ध्यान से आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स वाले बहुत ही क्वेश्चन चौचक है, ध्यान से सुन लो, इस पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे आपके इंटीग्रेटेड वाले रहेंगे, ठीक है, या तो हाफ लाइफ के रहेंगे, ये दो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंजम्पशन में माइनस होता है, फॉर्मेशन में प्लस होता है, रेट इक्वल्स टू के ए है, ठीक है, डिटेल बैच में मैंने आज ही अपने एम एस सी सी टी वाले बैच में इसके ऊपर क्वेश्चन करवाया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे एक एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन करवाए, आप जाकर के उसको चेकआउट जरूर करना, ठीक है, और सेल चल रही है, मैं आपको बताता हूँ आज रात के 12 बजे तक ही सेल है, तो आप जाकर के जरूर इनरोल करना, ठीक है। ये देखो के इक्वल टू 2.303 टी लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, टी हाफ इक्वल टू 0.0 0.693 अपॉन के, ये वाला अपना अरिनियस का इक्वेशन और ये फॉर्मूला, ठीक है, ऑलराइट। चलिए ये 6 से 7 फॉर्मूला है, बस इतना ही है, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक 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 करके आप देखिए खुद से क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन ढूंढ के इसमें बताता हूँ, ठीक है, छठा छठा चैप्टर है, ठीक है, ऑलराइट। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, देखिए आपको सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड, ध्यान से देखो, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कॉम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 times द रेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लीशन, मतलब अपने को दिखाना है कि वो 3 times है उसके, ठीक है, अपने को दिखाना है कि वो 3 times है, ठीक है, क्या है वो 3 times है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलो तो देखो इसको कैसे करना है, सेक्शन डी के अंदर, ठीक है, सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, देखिए देखिए देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 mark का क्वेश्चन है तो लंबा भी होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस करो, देखो फॉर्मूला अपना वही जो मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड रेट वाला, के क्वेश्चन 2.303 टी लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, अपने को टी निकालना है तो टी इधर आ जाएगा, फॉर्मूला रीअरेंज हो गया मेरा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ए नॉट क्या होता है, ए टी क्या होता है, ये तो मेरे को पता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लो, ठीक है, अब मेरे को ना फॉर्मूले को ना ध्यान से देखना, फॉर्मूले को 2 बार लगाना है, ठीक है, कितने बार लगाना है, 2 बार लगाना है, ठीक है, एक बार किसके लिए लगाना है, एक बार मेरे को 90% के लिए लगाना है, ठीक है, तो 90% के टाइम पे मेरे को के पता नहीं है, ठीक है, और एक बार 99.9% के टाइम पे मेरे को ये पता है, क्या पता है, ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार कितना है 90%, ध्यान से सुनो, सॉरी हाँ इधर ध्यान दो, 90% के टाइम पे क्या होता है, देखो 100/10 ए नॉट हमेशा 100 होता है, ये बात याद रखना, ए नॉट हमेशा कितना होता है 100, तो 90% कम हो गया रिएक्शन, तो बचा कितना परसेंट, 10%, तो 10 इधर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये काट लिया इसको, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, खाली 2.303 लॉग 10 इधर पे 10 से 10 कट, 10 से इसका कट जाएगा, बचेगा 10, ठीक है, 0 से 0 गया, बचा 10, ठीक है, तो लॉग 10 कितना होता है 1, ओके, तो 2.303 1 अपॉन के, तो ये कितना आ गया 90% के लिए 2.303 अपॉन के, ठीक है। अब देख 99% के लिए कैसे निकाला करेगा, 99% मतलब कितना परसेंट बचा, सिर्फ और सिर्फ 1% बचा, राइट, तो 99% और 80 क्या आ जाएगा 0.1, ए नॉट हमेशा 100 होता है, ये मैंने आपको बताया 2-3 बार बताया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 1 × 10⁻¹ ऊपर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये काट देगा इसका, ठीक है, ऑलराइट, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 10³, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझा भाई, समझो ना यार, समझ में आ गया तुमको, मेरे को मालूम है, ठीक है।
फिर उसके बाद देख लॉग 10 पावर 3, 3 क्या होता है, लॉग 10 का पावर ए, लॉग ए पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए होता है, राइट। तो 3 आगे की तरफ आ जाएगा, बराबर। तो हो गया खत्म, खाली डेरिवेशन टाइप का था, सॉल्व करने का था, समझा कि नहीं समझा, एकदम तगड़ा है, इसको प्रैक्टिस कर, ठीक है। 23 का पेपर है, ठीक है, 22 के पेपर में देखते आ जा अपन, ठीक है। चल अब 22 के पेपर में ढूंढते फटाफट से छठे चैप्टर में से, ठीक है, छठे चैप्टर, छठा चैप्टर, छठा चैप्टर ढूंढो फटाफट से। ये देखो, ये रहा, देखो, अरे वाह, 22 में भी सेम क्वेश्चन था यार, सेम डिट्टो क्वेश्चन। देख 22 का क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन सेम है, देख। श्योर दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन। सोचो सेम क्वेश्चन है, सेम सेम मतलब डिट्टो सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर 5th में एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर 5th में आपको स्टैंडर्ड पे ही मिलेगा, राइट माइनस लेफ्ट वही आएगा, उसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। और ये देखिए इस पे, ये देखिए सेम क्वेश्चन आया, ठीक है, कौन से में आया, 22 में आया, और ये मैंने आपको 23 का पेपर दिखाया, राइट। 22 23 हो गया, अब 21 में देखते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। 20 तक हम लोग नहीं जा रहे, उतना काम का नहीं है, ठीक है। और चलो यहाँ पर देखना, लॉकडाउन बिकडाउन खत्म, पेपर नहीं, ठीक है। चलो यहाँ देखना, अभी छठे पे आते हैं, इस पर ढूंढते फटाफट से। इधर देखिए, इधर इसमें देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन पे पूछा गया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल राइट, तुम्हारे में चांसेस है इसका, क्योंकि बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। ऑल राइट, छठे पेपर में देखते, छठा छठा क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है। चलिए चलिए ढूंढिए फटाफट से, फटियाफट से ढूंढिए। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन तगड़ा, ठीक है। नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, क्या पता नहीं पूछा, या तो मेरे को मिल नहीं रहा रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, 2 क्वेश्चन इससे पूछा है ना, तो फिर 2 क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं डाला है, ठीक है। डालना तो चाहिए मेरे हिसाब से, कहाँ चलेगा, मिल नहीं रहा है, एक न्यूमेरिकल तो आएगा भाई, कहाँ चलेगा, कहीं दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक कहाँ चलेगा, मे भी नहीं डाला है, मे भी नहीं डाला है, ठीक है। 22 में देखते हम लोग, ठीक है। ऑल राइट, वो जुलाई वाला अटेम्प्ट है ना, नहीं डालेंगे शायद, डर गए रहेंगे, ठीक है, बच्चे उसमें फेलियर बैठते ना, तुम में से भी कुछ बैठेंगे जो नहीं पढ़ रहे, सीरियसली नहीं ले रहे, फिजिक्स में बैठेंगे या तो मैथ्स में बैठेंगे, भगवान जाने किस में बैठेंगे। ये देखो हाफ लाइफ वाला डेरिवेशन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5-6 डेरिवेशन है, वही ये डेरिवेशन घुमा घुमा के आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसमें से, ठीक है। ऑल राइट, चलिए छठे वाले को लोग ऑप्शन में डाल रहे हैं मेरे ख्याल से, ज़्यादा उसमें से डाल रहे नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, ये देखो फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आएगा ही आएगा, आपको मैं क्या बताऊँ, ठीक है। बाकी आप होशियार हो, एग्जाम के एक दिन पहले आपको अच्छे से बताऊंगा। अरे हाँ, इसमें से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, मेरे को आपको ये क्वेश्चन बताने का था, अभी मेरे को याद आया, ठीक है, अभी मेरे दिमाग की बत्ती क्लिक हुई। पता है क्या, ये देखो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, हाँ क्या एग्जाम में आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। किधर गया मेरा टेक्स्ट बुक, किधर गया टेक्स्ट बुक, इधर है, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, अभी कार्यक्रम को समाप्त करने पर देरी पे आ गया हूँ मैं, अभी खाली इधर देखना ध्यान से, हाँ क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मस्त क्वेश्चन है, आ गया ना एग्जाम में तो 3 नंबर आपको ऐसे ही दिला के जाएगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, जैसे वो दिखा था ना रिवर्स करके काटने का, ठीक है, वैसे इसमें भी देखो, इसमें दिखाता हूँ, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हाँ बहुत। ये देखो ये रहा, किसी को गैस, कोई गैस करेगा मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, कौन से की बात कर रहा हूँ, कोई गैस करेगा, नहीं। ये देख ये वाला क्वेश्चन, देख ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये देख पेज नंबर 126 पे दिया हुआ, देख ये वाला क्वेश्चन, देख इसमें ना तेरे को 3 क्वेश्चन आता है, देख ध्यान से देखा, ये क्वेश्चन आना चाहिए तेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। ये पेपर हमें आ गया ना तो बहुत ईजी है पेपर, समझ जाना, देख। अ रिएक्शन एक्वायर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, ध्यान से सुन दे, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, इसमें सबसे पहला राइट द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल कैसे लिखते हैं इन दोनों को इक्वल करके, ठीक है, पहला ओवरऑल कर ले, दूसरी बात राइट डाउन द रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ तो ईजी है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले देख, पहला ओवरऑल लिख, ओवरऑल कैसे लिखेगा बता, काट के लिखना, क्या कटेगा बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करना, आंसर करो, एफ और एफ दोनों जो सेम साइन से रहता है ना अपोजिट साइड में वो कटता है, इस बात को याद रखो, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका एफ हो गया, ओवरऑल लिख दो, ओवरऑल कैसे हो जाएगा, एनओ टू एफ और एनओ टू एफ क्या हो जाएगा, 2NO2F, राइट, NO2 क्या हो जाएगा बताओ, 2NO2 हो जाएगा, राइट, प्लस F2, खत्म, ये ओवरऑल हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब रेट लॉ कभी भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, ये देखिए ये हो गया है, खत्म, पावर से उसको मतलब नहीं है, दैट्स इट, FF आराम से मिल जाएगा 3 मार्क्स, मैंने आज अपना इसके अंदर यही बताया, अपने बैच में मैंने यही बताया कि इस पे आराम से 3 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, दैट्स इट। और मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ, रिमाइंडर दे देता हूँ कि आज सेल चल रही है, ठीक है, ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है, बहुत ही महाराष्ट्र के सबसे सस्ते कोर्स हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे आपको ना सारे चैप्टर्स के, अगर अब तक आप सोच रहे हो, वेट कर रहे हो तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो, 49 रुपीज़ में आपको मैंने सारे 16 के 16 चैप्टर्स के ना डाल रखे हैं, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे माइंड मैप डाल रखे हैं, बहुत तगड़े तगड़े माइंड मैप है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एक चैप्टर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखा है, आंसर्स भी डाल रखा है तुम्हारा, ठीक है,
और तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। और गेस्ट पेपर भी डाल रखा है, गेस्ट पेपर देख करके जाना, मेरा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, और फिर सीटी के बैच में मैंने देखो आज ही लेक्चर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो कंटेंट देखो, अरे कहाँ चलेगा, ठीक है ठीक है। यहाँ देखो सीटी के बैच में आपको कंटेंट दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये देखो केमिकल काइनेटिक्स देखो, आज सुबह ही लिया है, दिख रहा है, 1 घंटे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 1 घंटे का आयनिक, 1 घंटा 19 मिनट, ठीक है। इस तरीके से लेकर के रखा है लेक्चर, टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया है, जा करके चेकआउट करो। सबका प्राइस एकदम सेल पे मस्त चल रहा है। अब जैसा सेम जैसे मैंने ये लिया ना, वैसे दुबे जी सेम ऐसे ही लेके, और आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अरे देखिए मैंने सेम स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये देखिए ये रहा, राइट। और फिर आगे की तरफ ध्यान से देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और ऐप पे कुछ भी क्वेरी आता है प्लीज़ उसी से रिलेटेड मैसेज करिए, उसी से कॉल करिएगा। ये नहीं कि सर मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, सर मेरा वो नहीं हुआ है, तो प्लीज़ उसका सोल्यूशन यही है कि पढ़ाई करो, दैट्स इट, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, ठीक है। डेरिवेशन कितने मार्क्स के आते हैं? 7-8 नंबर के डेरिवेशन कम से कम, डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी 20 तक भी जाते हैं, 20 तक जाएगा आपका डेरिवेशन, ठीक है। ऑलराइट, चलो 20 तक तो आ जाएगा, 20-25 तक, ठीक है। 38 मार्क्स का आता है फिजिकल केमिस्ट्री, बड़ा वेटेज है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। कैसा लगा वीडियो यार? मेरे को तो बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा है। जिसने जो पढ़ रहा है उसको सफलता जरूर मिलेगी, और जो पढ़ नहीं रहा है खाली टाइम पास कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो बाद में रिग्रेट करेगा क्या कि सामने सब कुछ था, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट था, पापा ने 10,000 का फोन दिलाया था, रिचार्ज करा के दिया था, फिर भी टाइम पास में पढ़ाई नहीं किया बस। और जो चालाक रहेगा वो पढ़ के जाएगा, उसको पता है क्या कंटेंट मिल रहा है इधर पे, उसको पूरा का पूरा 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से मिल गया, काम का, वो भी काम का, ठीक है, टाइम पास वाला नहीं, एकदम काम का, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। अब मैं डायरेक्टली आपको कब मिलूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब डायरेक्टली मैं एग्जाम के एक दिन पहले मिलूंगा आपको, बीच बीच में आते रहूंगा, बट एग्जाम के एक दिन पहले धमाकेदार तरीके से सब कुछ आपको कराऊंगा, ठीक है। अब आपका कल हिंदी का लेक्चर होगा, आपकी मराठी की मांगे और ज्योग्राफी की भी मांगे शायद से, तो वो धीरे धीरे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो ठीक है, ऑलराइट, हाँ पास हो जाओगे आशीष, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। और बेटा आप खुद से सोचो, आप बच्चे नहीं हो यार, आप इतने बड़े हो गए, आप खुद से सोचो। जो मैंने आपको इस समय कंटेंट दिया इस वीडियो में, आपने बहुत कुछ सीखा है, जहां तक मेरे को पता है सारे वीडियोस में, एससी के जितने वीडियोस है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और बस उन्हीं चीज़ों को रिपीट करो, अब इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको टाइप्स बताया, जो फॉर्मूला बताया, उसी पे प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। कल मैं आपको सुबह हिंदी का लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 17 तारीख को धीरे धीरे सब कुछ जैसे एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, इंस्टाग्राम पे टैग करके जरूर बताइएगा, और अपने सारे दोस्तों से शेयर करना। मैं एक बार साइड हट करके ना वापस से आपको स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन दे देता हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ना वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत जाए, ठीक है। चलो पहले यहाँ पर देख लो ये, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, एक बार ले लो फटाफट से, ठीक है। और मैं पीडीएफ के थ्रू भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये ले लीजिए फटाफट से। इसमें अपना एक मिस्टेक था, वो अच्छा हुआ पकड़ लिया आपने, ठीक है। 2 मिस्टेक्स था, ठीक है। अभी तो मैंने इसको घाई घाई में बनाया यार, मैं सही बताऊँ तो, ठीक है, टाइम ही नहीं रह गया, ठीक है। ये देखो, ये दूसरा, ठीक है, ले लो आराम से, इसी यही सब सही है। ये तीसरा, ये तो देखो, ये तो अभी अभी जस्ट लेक्चर के पहले ही बनाया, देखो इसको मिटाऊंगा ना, मिट भी जाएगा, ठीक है। ये देखिए चौथा, ये लीजिए चौथा, अटक भी गया, ये बताओ। अरे ऐसे मेरा बोर्ड हैंग करेगा तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। इसको भी अपडेट देना है, एक्चुअली अपडेट आया ना इसके ऊपर, ठीक है। रुक जाते हैं 1 सेकेंड, ले लो, तब तक तुम लोग कुछ बताओ। सर आईटी, आईटी जरूर लूंगा ना, डॉन डॉन आनस लेंगे ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो सर? आप रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट करते हो? कौन बोला मैं डिलीट करता हूँ रिकॉर्डिंग? नालायक को पड़ी रहती है वीडियो यूट्यूब पर, ठीक है। इंग्लिश का होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच नितिन विश्वकर्मा फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइम ऑफ। देखो बहुत कम बच्चे रहते हैं ना जो एफर्ट्स को समझ पाते, बाकियों को क्या है, बाकियों को मिल रहा है बस, ठीक है। तो आराम से, कोई बात नहीं, चलता रहता है। देखो अटक गया है, ये क्यों अटका पता है? इधर देखो मक्खी घूम रही है ना ये, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चल भाई चल, क्या हो गया तुझे? चलो बाकी का ले ही लेना, ठीक है। चलो मैं भेजता हूँ आपको, पीडीएफ के थ्रू भेजता हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल।